या हाय एवरीवन, सो वेलकम टू फोकस बैच। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम फोकस बैच स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे जो है उन टॉपिक्स की, उन चीज़ों पे फोकस डालने वाले हैं, वो टॉपिक्स जो कि यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री टेकअप कर रहा हूँ, और पहला टॉपिक जो मैं टेकअप कर रहा हूँ वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम एंशियंट इंडिया। इसके बाद हम ऐसे टॉपिक्स बात करेंगे जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म। जैनिज्म बुद्धिज्म से अब तक लगभग 25 से ज़्यादा सवाल आ चुके हैं प्रिलिम्स में, राइट। तो ऐसे हॉट टॉपिक्स है ना, जिस पे यूपीएससी का भी फोकस है, वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि और मैं अगर आपको बताऊँ तो मॉडर्न इंडिया में कुछ टॉपिक्स जो मैं उठाऊंगा, दे आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी, रेवेन्यू सेटलमेंट से सवाल आते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर से बहुत सारे सवाल आते हैं, एक्ट से बहुत सारे सवाल आते हैं। 1935 एक्ट इज़ वन ऑफ द फेवरेट। सिविल डिसोबीडियंस के बाद, राइट, सिविल डिसोबीडियंस के बाद जो एरा है वहाँ से बहुत सारा इन्होंने सवाल पूछा हुआ है, पर्सनालिटी से सवाल पूछा है, रिवोल्ट से सवाल पूछा है। तो ऐसे टॉपिक्स जहाँ से बहुत सवाल पूछे हैं यूपीएससी ने, वी विल डेफिनेटली, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू, और बेसिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन दोज टॉपिक्स इन दीज 10 क्लासेज ऑफ हिस्ट्री, राइट। इसके साथ साथ ऑफकोर्स बाकी फैकल्टीज, मेरे साथी फैकल्टीज जो हैं वो बात करेंगे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की। मैं फिलहाल जो है हिस्ट्री आपके लिए टेकअप करूंगा। तो हमारी पहली क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी हॉट टॉपिक फॉर यूपीएससी, स्पेशली जो है काफ़ी हैपनिंग होता रहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हमारी पुरानी सभ्यता भी है ये, तो इसलिए भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं, है ना, बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम टीचिंग फॉर यूपीएससी सीएससी फॉर लास्ट 7 ईयर्स प्लस। इसके साथ साथ आई वॉज ऑल्सो डायरेक्टर जो है एट वन ऑफ द रीनोन एड टेक कंपनी, एंड आई वॉज लीडिंग यूपीएससी सीएससी कैटेगरी। और साथ ही साथ बाकी मेरी खुद की गलतियाँ हैं जो यूपीएससी मेंस वगैरह की हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, वहाँ से मुझे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ वो गलतियाँ आप लोग ना करें, तो वो मैं शेयर करूँगा, वो उस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजाइज करेंगे, प्लान करेंगे, राइट। इसके साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस मर्चेंट नेवी में रहा है एज अ थर्ड असिस्टेंट इंजीनियरिंग ऑफिसर, देन पोस्टल अकाउंट्स में भी मैंने कुछ टाइम काम किया हुआ है। और बाकी शुरू करते हैं, डिस्कशन चालू करते हैं। तो टॉपिक्स जो हम यहाँ कवर करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का बैकग्राउंड, या इंडस का बैकग्राउंड, इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात करेंगे, टाइमलाइन और ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तीन फेजेस का डिस्कशन करेंगे और इन्हीं तीन फेजेस में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट जिन पर सवाल बनते हैं मैं दिखाऊंगा भी, वो देखेंगे। अर्बनाइजेशन जो कि कोर है इसको समझेंगे, और इसके अलावा इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, तीनों एंगल से हम इस चैप्टर को देखेंगे, और बात करेंगे लास्ट में डिक्लाइन की, राइट, कि डिक्लाइन हुआ ही क्यों। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन, पहला पॉइंट। सो नाउ 1826 में देर वॉज एक्स आर्मी जो है पर्सन चार्ल्स मेसन, और वो हड़प्पा गए, और हड़प्पा देख के उनको लगा कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है, कुछ समथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, राइट, कोई तो इसकी बड़ी हिस्ट्री है। और उनको ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ समथिंग कनेक्टेड टू अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस, राइट। और भी लोग गए, अलेक्जेंडर बर्न्स भी गए, उनको भी लगा कुछ तो सिग्निफिकेंट है, बट कुछ फिगर आउट नहीं हुआ। देन अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, ही ऑल्सो वेंट देयर, इनको सील मिली, बट उस सील में हम्प नहीं था, मतलब सॉरी, उस सील में बुल था, बुल का हम्प नहीं था। तो इनको लगा कि जो है जब हम्प नहीं है यानी कि ये इंडियन बुल नहीं है, इनको लगा कहीं बाहर से आई होगी सील, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। इन द 1920 एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत इंटरेस्ट इस तरफ नहीं रहा, बहुत रुझान नहीं रहा, क्योंकि दो ईंटें देखो जरा आप, राइट, ऐसा लग रहा है कि कोई वर्किंग साइट है, कोई अपार्टमेंट्स बनने वाले, घर बन रहा है, ईंटें बिल्कुल आज वाली ईंटें दिख रहे हैं। तो हर किसी को ये लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 250 साल पुराना होगा ये, इससे ज़्यादा क्या ही पुराना होगा, तो क्यों ही इतना दिमाग लगाना है, राइट। तो इतना इंटरेस्ट किसी को नहीं आ रहा था, इनफैक्ट लोगों ने ईंटें वीटें निकाल के रेलवे लाइन में लगा दिया था। बट 1921 में कहानी बदली जब हड़प्पा में एक्सकेवेशन चालू हुआ बाय जो है दयाराम सहानी जी। देन 1922 में मोहनजोदारो, नाउ यहाँ पे एक्सकेवेशन चालू हुआ बाय आरडी बनर्जी, और जब ये डिस्कवरी सामने आने लगी तब रियलाइज हुआ, ओ हो, हमारे पास इतनी बड़ी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तब हमने जैसे जैसे तथ्य सामने आने लगे वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट टूवर्ड्स हड़प्पन सिविलाइजेशन बढ़ने लगा, राइट, है ना। और हमें पता चला कि भाई सिविलाइजेशन, हम इस समय, हमारे पास राइटिंग होती थी, अर्बन कल्चर हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था,
घर बेहतरीन घर बनाया करते थे, प्लानिंग अर्बन प्लानिंग हुआ करती थी, ऑल दीज थिंग्स वी गॉट टू नो जो हम आज बात करने वाले हैं. एंड वी रियलाइज कि ओहो ये तो बहुत ही प्राउड करने वाली बात है, राइट, कि इस समय जब हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि हमारी ऐसी कुछ यू नो सिविलाइजेशन हो सकती है, उस समय हमारे पास इतनी बेहतरीन सभ्यता एग्जिस्ट करती थी. तो इसको नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज आर्कियोलॉजी में ऐसा प्रिसिडेंस है कि जो पहली साइट होती है जो कि यहाँ हड़प्पा है उसके नाम पे नामकरण होता है, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया. आगे जाके जब रियलाइज हुआ कि ना ये जो है इंडस नदी के किनारे है तो इसको कहा गया नहीं इसको तो इंडस वैली भी कहो, और जब रियलाइज हुआ कि इंडस से दूर भी है तो कहा गया कि इसको तो इंडस सिविलाइजेशन भी कहो. तो ये तीनों नाम एक ही हैं, तीनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. आईवीसी मतलब हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, कई जगह मैं आईवीसी बोलूंगा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो खैर बाकी अभी तारीफ करते हैं, समझते हैं कि हाँ क्या हमको मिला इसमें. तो एक मोहनजोदड़ो मूवी आई थी ऋतिक जी की, और वहाँ से मैंने कुछ पॉइंट उठाए होंगे. तो या तो ये पूछ रहे हैं कि ये हुआ कब, तो सबसे पहले इस्टेब्लिश करते हैं टाइम लाइन. तो नाउ चाकोलिथिक एरा जो कि 4000 समवेयर है, 4000 से 1000 के बीच में अगर हम मार्क कर लें, उसके बीच में ये जो 2800 से 1900 का जो दौर है, दिस इज कोर और मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन. इस दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ है, यानी लगभग आज से आप मान लीजिए कि 5000 साल पहले. इसे और क्लियर करें तो चाकोलिथिक एज जहाँ पे हमारे पास कॉपर है, कॉपर प्लस स्टोन हमारी डिपेंडेंसी इस पर है, ऐसे में इस दौर में 4000 टू 1000 के बीच में एक सिविलाइजेशन का जन्म होता है और फिर डिक्लाइन भी होता है. ये शुरुआत है रफली 3300 बीसी के पास और ये अंत जाता है रफली 1400 बीसी के पास. अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किताबों में दिया हुआ है ना, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, राइट, आप कोई भी एक नंबर रट लीजिए, 3300 BC और 1400 BC. अब यहाँ पे ये शुरुआती फेज है जब चीज़ें ग्रो करना चालू हुई होंगी, ये हमारा बीच में मैच्योर फेज है, और इसी को हम रफली 2800 से 1900 का फेज कहते हैं. अब ये नंबर भी 100-200 ऊपर नीचे हर किताब में होता रहता है, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है, राइट. तो ये आपका राइजिंग है जहाँ पे आप ग्रो कर रहे हैं, ये मैच्योर है और ये आपका डिक्लाइन है. नाउ ये जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली जो है आपके नियोलिथिक के बाद एग्रीकल्चर ऑलरेडी आ चुका है, चाकोलिथिक के बाद यानी कॉपर भी आ चुका है, इसके बाद हुआ है. जिनको ये आइडिया नहीं है पीछे का वो पीछे का आप रेफर कर सकते हो. चलिए तो हमें क्या रियलाइज हो रहा है कि हमारी ब्रोंज सिविलाइजेशन है कॉपर के भी आगे, राइट. जो कॉप ब्रोंज है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है देन कॉपर, इसमें कॉपर और टिन दोनों जोड़ दो तो ब्रोंज बन जाता है. खैर इन सब मुद्दों पे वापस आएंगे. हमें क्या रियलाइज हो रहा है कि दुनिया की चार सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन और चाइना, चार सिविलाइजेशन में हमारा भी एक नाम शुमार हो गया. दूसरा हमें रियलाइज हो रहा है इंडस जो है कंटेम्प्रेरी है इन दोनों की. तो जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसी समय इंडस सिविलाइजेशन भी है, जब इजिप्ट सिविलाइजेशन है तो उसके पैरेलल इंडियन सिविलाइजेशन भी है. इन दोनों में हो सकता है कुछ कनेक्शन रहा हो, इन दोनों में हो सकता है कुछ ट्रेड रहा हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से उजागर हो सकती हैं, राइट, है ना. खैर तो आएंगे इन दोनों के कनेक्शन पे आएंगे. और कहा जाता है कि भाई जो है हो सकता है कि यहाँ के जो लोग हों वो इंडिजिनस रहे हों, यहीं के लोग ग्रो करके सिविलाइजेशन बना बैठे, या फिर हो सकता है कहीं से माइग्रेट कर आए हों, फॉरेनर रहे हों. और एक कॉम्प्रोमाइज थ्योरी है कि दोनों ही हो सकते हैं, वी आर नॉट वेरी श्योर एग्जैक्टली कैसे हुआ है ये, बट देर आर मल्टीपल थ्योरीज ऑन दी ओरिजिन. एनीवे इन चारों में ये सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, एरिया वाइज दिस इज लार्जेस्ट, राइट, और ये जो है शायद कनेक्टेड होगी मेसोपोटामिया से भी. नाउ बिफोर वी गो हैड कुछ नाम, चलिए थोड़ा सा नाम और आगे देखेंगे, जो है हम समझेंगे पहले उन तीन फेजेस को. तो इस पूरे दौर को तीन पार्ट में बांटा गया है, एक जो अभी हम कह रहे थे 3300 से
2600 या 2800 का दौर, इसको कहा जाता है प्री या फिर अर्ली हड़प्पन, इसको रीजनलाइजेशन एरा भी कहा जाता है। क्यों? जरा इस एरा का मैप देखिए, 3300 टू 2600 अलग अलग रीजन्स में कुछ अलग अलग डेवलपमेंट हो रहा होगा। अभी ये रीजनल ही है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट चालू हुआ है, राइट? ये वो दौर है जहां पे तुम फिगर आउट करना चाह रहे होगे कि भाई भाई ट्रेड कैसे होगा, भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, भाई अर्बन कैसे बनते हैं, शहर कैसे बनता है, राइट? फोर्ट कैसे बनता है, प्रोफेशंस। अगर यहां पर मुझे ट्रेड करना है, बात समझो इस बात को, कि अगर मुझे ट्रेड करना है तो ट्रेड करने के लिए या अर्बन क्रिएट करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से सुनो, ट्रेड और अर्बन क्रिएट करने के लिए कुछ प्री रेक्विजिट लगेगा, जिसमें पहला प्री रेक्विजिट है, तो जरा पेन चेंज करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, पहला प्री रेक्विजिट है एग्रीकल्चरल सरप्लस। एग्रीकल्चरल सरप्लस कि भाई मेरे पास ऐसा विलेज बेस हो, विलेज स्लैश रूरल बेस, जो कि मुझे इतना प्रोडक्शन दे कि मुझे किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। अब जरा गौर से सोचो, मैं आपको आज यहाँ इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ बिकॉज मेरे बदले मेरा कोई किसान भाई खेती कर रहा है और उसका उगाया हुआ अनाज, उसका उगाया हुआ टमाटर सब्जी मैं जाके खरीद लूंगा और खा पाऊंगा। तो इसीलिए मैं आज अर्बन में सेट जो है सर्वाइव कर पा रहा हूँ। ये अर्बनाइजेशन, ये एरिया इसलिए एग्जिस्ट कर पा रहा है बिकॉज हमारे किसान भाई रूरल एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं हमारे लिए भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और तब ये शहर एग्जिस्ट करता है। तो पहला शहर एग्जिस्ट करने के लिए और हम कुछ और काम कर सकें, जरूरी है कि रूरल सपोर्ट मिले, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेड ट्रेड करने के लिए एक और चीज जरूरी है, वो है प्रोडक्ट। अलॉन्ग विद सो मैनी अदर थिंग्स, प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि बेचोगे क्या? ऐसे थोड़े कुछ भी ईटा ईटा चप्पल लेके निकल पड़े बेचने, भाई कोई बढ़िया प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा तब कहीं जाके बेच पाओगे। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास शहर भी था और हम ट्रेडिंग भी कर रहे थे, तभी तो वो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है। अगर हम ये दोनों चीज़ें देख पा रहे हैं, इसका मतलब कि हम प्रोडक्ट बहुत बढ़िया स्पेशलाइज्ड थे भाई। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होगा कि भाई लोटा बनाओ या पॉटरी बनाओ तो ऐसी बनाओ कि लोग वाह वाह करें, वो कहेंगे हाँ थोड़ा दे के जाओ हमारे यहाँ, उस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, राइट? तो ये सारा प्री रिक्विजिट पूरा होगा तब ये बनेगा। वापस आते हैं, ये वो टाइम है जब ये स्पेशलाइजेशन हो रहा है कि भाई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि बिक सके, कि कोई खरीदना चाहे, राइट? किला बनाना सीखो, राइट? देन अर्बन, यू नो, अर्बन जो है सेटलमेंट कैसा होगा, ये सारे ट्रेट यहाँ पे फिगर आउट हो रहे हैं। अब टेक्निकली टेक्निकली अगर तुम देखो तो हम बात कर रहे हैं अर्ली हरप्पन फेज की, 3300 से 2600, इसको रीजनलाइजेशन एरा भी कहा जाता है। रीजनलाइजेशन एरा जहाँ पे क्या हो रहा है, फिगर आउट हो रहा है, फोर्टिफिकेशन फिगर आउट हो रहा है, क्राफ्ट मेकिंग फिगर आउट हो रही है, स्टोन वर्किंग फिगर आउट हो रही है, राइट? कैसा बीड्स का, कैसा यू नो बढ़िया ज्वेलरी बनाएगी, लोग खरीदें ऐसी ज्वेलरी बना दें, वो कैसे होगा, राइट? व्हील ट्रांसपोर्ट, तभी तो ट्रेड हो पाएगा। ट्रेड नेटवर्क कि कहाँ ट्रेड करना है, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिगर आउट हो रही हैं। अभी उतने बड़े शहर नहीं बने लेकिन बन रहे हैं। अब एक अजीब सा फैक्चुअल डेटा मान लो कि यहाँ पे जेड नहीं मिलता इस एरा में, राइट? जेड मिसिंग है। एक आध साइट का नाम जैसे आमरी, कोट दिजी, ये थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। ओके, तो ये हमारा हो गया अर्ली हरप्पन फेज। अब बात करते हैं मैच्योर हरप्पन फेज की, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन एरा। अब भाई ये तो वो एरा है जो मचा रहा है, ऐसे में हमें सिटीज देखने को मिलेंगी, शहर, ऐसे में हमको बेहतरीन पॉटरी देखने को मिलेगी एंड बढ़िया प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ऐसे में हमको ट्रेड नेटवर्क्स देखने को मिलेंगे, ऐसे में हमको बिजनेस यूनिट सील्स नजर आएंगी बढ़िया, और स्कल्पचर वगैरह नजर आएगा। हालांकि स्कल्पचर ट्रेड नहीं है बट फिर भी लैंग्वेज नजर आएगी, राइट? अपनी कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं भाई, हम लोग आज भी नहीं पढ़ पा रहे हो,
ये सारी चीज़ें हमें इस मैच्योर फेज़ में नज़र आएंगी जहाँ पे इस सिविलाइजेशन ने टेक्निकली मचा रखा है ना, बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस है इनकी इस दौर में, और हम लोग इस दौर को मेनली समझेंगे। आइए बात करते हैं तो मैच्योर फेज़। एक और बात जो है, ये जो शायद जो फिगर आउट हुआ था, वापस अगर मैं इस पे आऊँ आपके प्री हरप्पन वाले पे, तो कहते हैं कि कहानी चालू हुई थी मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, ये ट्रांसफ़र हुई चोलिस्तान इस एरिया में, और यहाँ से ये सारी नॉलेज स्पेशलाइजेशन बाकी जगह ट्रांसमिट हुआ है, और फिर इस तरीके से एक बड़ी सिविलाइजेशन क्रिएट हुई है। ओके, तो मैच्योर हरप्पन फेज की बात करते हैं, जहाँ पे हम ये सारी तारीफ कर रहे हैं। इस फेज में आते हैं, हम बात कर रहे हैं 2600 या 2800 से 1900। ये हमारा मेन मुद्दा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कोर है। आइए समझते हैं इसको। ओके, तो मैच्योर फेज। नाउ बिफोर वी गो हेड, कुछ साइट्स का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो, है ना, कुछ साइट्स का नाम थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। एक हमने नाम दिया था हरप्पा का, रावी नदी के किनारे। दूसरी इंपॉर्टेंट साइट मोहनजोदारो, इंडस के किनारे, राइट। यहाँ पे धोलावीरा दिख रही है हमको, यहाँ पे लोथल दिख रही है, देन यहाँ पे हमें कालीबंगन घग्गर हाकरा पे दिख रही है, पास में ही बनवाली है, यहीं पास में बड़ी सी साइट है राखी गढ़ी, एक बहुत दूर एक साइट दिख रही है शोरतु घई इन अफगानिस्तान, राइट। प्लस इधर भी काफ़ी दूर एक मकरान कोस्ट में हमको साइट दिख रही है सुक्ता जंदौर, और ये अच्छा खासा एक्सपेंशन है कोस्टल एरिया में, बड़ा सबसे बड़ी सिविलाइजेशन दुनिया की ये क्रिएट हो रही है यहाँ पे मैच्योर हरप्पन फेज में, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन एरा, जो भी कुछ सीखा है उसको इंटीग्रेट कर दिया है, और यहाँ के ट्रेट आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, लेट हरप्पन फेज हम लोग बाद में टेकअप करेंगे। एक और बात, इंडस के साथ साथ, इंडस की साइड के साथ साथ हमको घग्गर हाकरा, जो कि एक एंडोरिक रिवर है, घग्गर हाकरा, इस नदी पे बहुत सारी साइट्स मिलती हैं। अब इसमें इतना पानी नहीं है, बट कहते हैं कि उस समय इसमें एक अच्छा खासा फ्लो था, बिकॉज ऑफ रिवर कैप्चर टेक्टोनिक मूवमेंट। क्या हुआ कि अब जो है इसमें पानी कम हो चुका है, वो रिवर कैप्चर हो गई है, या तो वो यमुना में मिल गई है, या फिर वो इंडस में मिल गई, सतलज में मिल गई है, राइट। तो नाउ, सो अब इसमें उतना पानी नहीं है। इसको जोड़ा गया है कि शायद जो वेदों में सरस्वती नदी जी का जिक्र है, सरस्वती नदी का जिक्र है, शायद ये वो यही नदी है। ओके, तो खैर, तो आइए बात शुरू करते हैं। तो मैं मैच्योर हरप्पन फेज की बात कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे, मैच्योर हरप्पन फेज की बात कर रहा हूँ। मैच्योर हरप्पन फेज में आइए देखते हैं साइट्स। तो मूवी में भी जो है सरमन और चानी थोड़ा ढूंढने निकलते हैं, शहर ढूंढने निकलते हैं, शहर घूमने निकलते हैं, तो आइए हम लोग भी थोड़ा शहर घूमेंगे। आइए एक एक साइट देखते हैं, सो डैट फर्स्ट वी नो कि कहाँ क्या मिला है। UPSC इस तरह का सवाल पूछता है कि इस साइट का यू नो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि नहीं है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लस एक्सकेवेशन भी ऐसे हुआ होगा कि पहले साइट होगी और उसके बाद उसकी कहानी होगी, राइट, कि पहले सारी साइट देख लेते हैं फिर कहानी गढ़ते हैं। तो एक एक साइट देखते हैं। अब हैं तो वैसे यू नो 1500 साइट, सारी साइट्स आपको नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ रेलेवेंट साइट्स और UPSC जो कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर हैं सिर्फ उनको पढ़ना है। यहाँ पर फिलहाल मैं 4-5 जो मेन साइट्स है वो टेकअप करूँगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा, ऑलरेडी हमने नाम लिया दयाराम साहनी जी का, 1921 इन्होंने शुरू किया। अब ज़रा थोड़ा अप्रिशिएट करो कि यहाँ मिल क्या रहा है। यहाँ पे मिल रही हैं हमको बड़ी बड़ी ग्रेनरीज, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मतलब कि पूरे शहर का अनाज यहाँ इकट्ठा हो रहा है, स्टोर किया जा रहा है, राइट, सीरियल्स, वीट, ये सब स्टोर किए जा रहे हैं। ये जैसे आज हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS, कुछ वैसा स्टोरेज, यानी शहर के लेवल पे इतनी बड़ी ग्रेनरीज होना, कुछ तो मैनेजमेंट अच्छा है, शहर है ये। हमें दिख रहा है फोर्ट, किला, फोर्टिफिकेशन, कि भाई इस शहर को फोर्टिफाई किया गया है, कैसा किला है देखते हैं अभी। हमें दिखाई दे रहे हैं बैरक्स, जहाँ पे शायद लेबर वगैरह काम करते थे, वर्कर्स काम करते थे, राइट। मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड हो रहा है ये भी हमें यहाँ पता चल रहा है। बरियल, वो भी क्रिमेशन के बाद, पोस्ट क्रिमेशन बरियल, ये हमको बहुत सारी मिल रहा है, और ये भी बता रहा है कि क्रिमेशन भी हो रहा था। हम सोच रहे थे कि नॉर्मली बरी कर दिया जा रहा है डेड बॉडी को, बट यहाँ क्रिमेशन देखने को मिल रहा है। प्लस वर्किंग फ्लोर्स, वर्किंग फ्लोर्स यानी कि जहाँ पे यू नो बीट जो है उसको, जो गेहूं है उसको थ्रैश करके गेहूं अलग करना, प्लांट अलग करना, स्टोर करना, धोना सुखाना, ये सब हो रहा है।
प्लस डाइस मिल रहा है, डाइस, चाहे लूडो खेल रहे थे लोग, चौसा खेल रहे थे, यानी कि कुछ तो एडवांस शहर हड़प्पा हमें नजर आ रहा है। अगले शहर में चलते हैं, मोहनजोदारो देखते हैं। मोहनजोदारो जिससे मूवी बनी हुई है, माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है, क्योंकि ये कई बार फ्लड में, फ्लड आया, लोग मारे गए होंगे बट फिर से बस गया। तो खैर यहाँ पे हमें एक बड़ा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, असेंबली हॉल। असेंबली हॉल कि भाई पिलर हैं, बहुत सारे पिलर हैं, जैसे जैसे कि मे बी कोई पार्लियामेंट, जैसे मे बी कोई ऐसा सेंटर जहाँ पे लोग, बड़े लोग, नोबल्स लोग इकट्ठे होके कुछ डिसाइड करते थे शायद, वी डोंट नो। तो कुछ एक मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल नज़र आ रहा है हमें, एक ग्रेट बात, एक बड़ा सा पब्लिक स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है, राइट। सिमिलरली एक और बॉडी है, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, यहाँ भी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज, लार्ज ग्रेनरीज। यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा कहीं फंसा हुआ मिला हमें, प्लस ब्रोंज की डांसिंग गर्ल, ब्रोंज की डांसिंग गर्ल की, ब्रोंज का किसी ने एक मूर्ति बनाई है डांसिंग गर्ल की। देन हमें बहुत सारे स्केलेटन्स भी मिले हैं, कुछ वायलेंट डेथ भी हुई है। देन हमको सील्स मिली हैं, सील्स, जरा कुछ फोटोज देखते हैं। ये है वो डांसिंग गर्ल, दिस इज ब्रोंज डांसिंग गर्ल। अब ये बता रहा है कि भाई उस समय आपकी जो मेटलर्जी थी वो इस लेवल पे जा चुकी है कि आप इस तरह का एक डांसिंग गर्ल, एक तरह एक स्टैचू प्रोड्यूस कर सकें। इस तरह की हमको सील मिल रही है। अब ये सील दिखाता है कोई बिजनेस हाउस, जैसे कि आज लोगो होता है, जैसे कि भाई ये पीडब्ल्यू का लोगो है, राइट, पीडब्ल्यू का लोगो, ये यूपीएससी का लोगो, राइट। ऐसी ही इसको बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हुए हमको एक सील नज़र आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें एनिमल नज़र आ रहे हैं कि इधर शेर है भाई, राइट, है ना, इधर जो है राइनो है, एलिफेंट है, राइट, इस तरह के एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, नीचे डियर है, यानी शायद इनके लिए एनिमल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये हमारा स्विमिंग पूल है, पब्लिक स्विमिंग पूल, किस लिए यूज करते थे वी डोंट नो, लेकिन हाँ कुछ तो रिचुअल होता होगा, कुछ तो बात होती होगी। वापस आते हैं, राइट। तो प्लस जो है हमें शिप और बिग बोट के एविडेंस मिल रहे हैं, बैंगल्स मिल रही हैं क्ले की। अब ये जरा शहर देखो, मोहनजोदारो। तो ये मैप मूवी में बनाया गया है, मोहनजोदारो, रियल फोटो ये है। अब इसमें देखने लायक बात ये है कि ये आपकी नदी जा रही है और इसके पास से ही ये शहर शुरू हो रहा है। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये लोअर टाउन है, राइट, दिस इज लोअर टाउन। और यहां पर ये कुछ किलेबाजी हो रखी है, दिस इज सिटाडेल, किला। अब आज से 5,000 साल पुराना कोई आपसे कहे कि हाँ भाई किले हुआ करते थे, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ इतना बड़ा किला एग्जिस्ट करता था, राइट। यहाँ पे शायद रिच लोग रहा करते थे, यहाँ पे शायद बाकी के आर्टिजन जो हैं, वर्कर्स जो हैं, वो यहाँ पे रहा करते होंगे। आम आदमी इधर रह रहे और लोग इधर रह रहे हैं। अब इसी को जूम करके तुम यहाँ देखो तो वो पिलर्ड हॉल नज़र आएगा तुम्हें इस जगह पे, वो ग्रेट स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है, यहाँ ग्रेनरीज रखी हुई हैं, यहाँ कॉलेज ऑफ प्रीस्ट एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। नाउ ये प्रॉपर एक शहर बसाया गया है, राइट, जहाँ पे लोअर टाउन, अपर टाउन दोनों तरीके के लोगों को, रिच और पुअर दोनों तरीके के जो है तबके को यहाँ पे केटर किया जा रहा है। प्लस ये बाकी की जो प्लानिंग है ये भी रैंडम नहीं है कि तुम्हारा, तुमने प्लाट यहाँ खरीदा तुम घर बना लो, तुमने प्लाट यहाँ खरीदा तुम घर बना लो, ना, ऐसा भी नहीं है। इसके अंदर भी प्रॉपर प्लानिंग है, वो थोड़ी देर में देखेंगे। तो अब ये थोड़ा चौंका देने वाली बात है, जब मोहनजोदारो हम लोग डीप गए और हमें रियलाइज हुआ कि ओहो ये तो नेक्स्ट लेवल है, राइट। ये 200-250 साल पुरानी ईंटें नहीं है, ये 5,000 साल पुराना गेम चल रहा है। और उस जमाने में उन्होंने ये शहर फिगर आउट कर दिया था, मोहनजोदारो पूरा स्ट्रक्चर फिगर आउट कर दिया था। तो ये हमें कुछ मोहनजोदारो में चीज़ें मिली जिसमें अभी हम और डीप जाएंगे थोड़ी देर में। ओके, हमें ईंटों के भट्टे मिले हैं, अब इतने ईंटें लगे हैं तो भट्टे तो होंगे ही होंगे। सील्स मिली हैं बहुत सारी, बुल की सील मिली हुई है, एक सिलेंड्रिकल मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील, आगे बताऊंगा क्या होता है ये मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील। हमें बहुत सारे टॉयज मिले हैं, राइट, इवन एक्सकेवेशन जो एक्सकेवेटर्स थे दे वर ऑल्सो सरप्राइज, भाई इतने खिलौने क्यों हैं यहाँ पे, हम यहाँ खुदाई कर रहे हैं, फिर खिलौना, फिर खिलौना, ऐसा लग रहा है खिलौने की फैक्ट्री है क्या ये पूरा, राइट। बट इसको जरा ध्यान से सोचो कि अगर किसी सिविलाइजेशन में खिलौने मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लोग कमेंट करो बताओ, राइट, इसका मतलब होता है कि लोग बहुत खुशहाल हैं यहाँ पे, राइट, बच्चे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर,
बच्चों के लिए पापा ऑफिस से आ रहे हैं तो बच्चों के लिए टॉयज लेकर आ रहे हैं, राइट। घर में खुद ऑब्जर्व करो कि जिस दिन पापा गुस्से में होंगे उस दिन समोसा लेकर नहीं आएंगे, बट जिस दिन पापा का मूड बढ़िया होगा, बोनस मिला होगा, राइट, ऑफिस में अच्छा काम हुआ होगा, प्रमोशन हुआ होगा, उस दिन जब ऑफिस से वापस आएंगे तो स्कूटर पे अपना समोसा भी लेकर आएंगे, राइट। तो अगर बच्चों के लिए टॉयज बनाए जा रहे हैं सिविलाइजेशन में, मतलब वहाँ पर टॉयज खरीदे जा रहे हैं, मतलब लोगों के लिए बच्चों की खुशहाली मैटर करती है। और जिस दिन पापा को गुस्सा आता है उस दिन तुमसे थोड़े पूछते हैं टॉय लोगे कि नहीं, पिटाई होती है। तो अगर टॉयज मिल रहे हैं ये भी इंडिकेटर है हैप्पीनेस का, राइट, इंडिकेटर है कि बच्चों के लिए स्पेशल फोकस है, टॉयज मिल रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, डाइस मिल रहा है। तो ये हमें मोहनजोदारो में देखने को मिला, और रिसर्च करेंगे और डेप्थ डीप जाएंगे, बट अभी आगे बढ़ते हैं। चन्हुदारो, नाउ चन्हुदारो जो है, दो नाम मैं तुम्हें कहूँगा यूपीएससी के लिए रट लो, एक चन्हुदारो और दूसरा लोथल। किस लिए? यहाँ पे बहुत सारी बीड बनती है, बीड फैक्ट्री, तुरंत रट डालो। बीड फैक्ट्री कहाँ बनेगी, कहाँ मिलेगी? चन्हुदारो में और लोथल में, दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बीड फैक्ट्री के। अब चन्हुदारो शायद इनिशियल टाउन रहा होगा, तो यहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं है, किला नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था, ह्यूमन सेक्रीफाइस के एविडेंसेस मिल रहे हैं, यानी इस तरह की प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं, राइट। प्लस फोर व्हीलर का क्ले मॉडल, यानी कि कार्ट हुआ करते थे, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक कार्ट दिख रहा है, हालांकि ये फोटो इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी व्हील है, इस तरह के कार्ट बन पा रहे, एक रूफ्ड चैरियट रथ, राइट, स्टोन्स का इस्तेमाल है, यहाँ पे ब्रिक का इस्तेमाल नहीं है, शायद ये पुराना शहर है, यहाँ पे अभी ब्रिक्स नहीं है, इंक पॉट यानी लोग लिख रहे हैं, लिपस्टिक यानी कि लोग मेकअप भी कर रहे हैं, राइट, बुलक कार्ट का मॉडल, ब्रोंज, देखो टॉय कार्ट यहाँ भी मिल रहा है हमको, राइट। तो चन्हुदारो, और आगे बढ़ते हैं, कालीबंगन की बात करते हैं। कालीबंगन आपका पड़ेगा यहाँ घग्गर हाकरा में, तो घग्गर हाकरा में कालीबंगन, बगल में बनवाली और पास में ही राखी गढ़ी, ये तीन नाम साथ में रट सकते हो। कालीबंगन, नाउ कालीबंगन में हमको मिला प्लॉड फील्ड, हल जोता हुआ है ना, और ये उस जो है टाइमलाइन का सबसे बड़ा प्लॉड फील्ड है, सबसे बड़ी कल्टीवेटेड लैंड मिल रही है हमको, हमको ऐसा हल चलाया हुआ गड्ढा मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर इससे कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात इसलिए हो गई क्योंकि इसी टाइम में जो चाकोलिथिक की हम बात कर रहे थे ना शुरू में, कि 4000 to 1000, राइट, इनको लॉ के बारे में नहीं पता है, इनको फावड़े के बारे में नहीं पता है, तो टेक्निकली ये बेटर टेक्नोलॉजी है, उनको जो है ये हल जताना आता था, और हल जब आता होगा, प्लॉ अगर आता होगा, तो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो कि हम शुरू में बात भी कर रहे थे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन चाहिए, एग्रीकल्चरल सरप्लस चाहिए। तो ये हमको बता रहा है कालीबंगन में जो हमको ये देखने को मिल रहा है प्लॉ, ये हमको कहीं ना कहीं बताता है कि ओहो क्यों आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा था। प्लस कालीबंगन में हवन कुंड मिल रहा है, फायर आल्टर्स। अब ये यहाँ की रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बता रहा है, राइट, रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में आपको पता चल रहा है यहाँ पे। प्लस एक बड़ी सी जो है आपकी ईंटों की दीवार है, राइट, अराउंड द होल सिटी, सिटाडेल के किनारे और लोअर टाउन के किनारे, यानी इनको शायद और प्रोटेक्शन चाहिए था, तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा ब्रिक वॉल बना रखा है, कैमल के बोन्स मिल रहे हैं, बट ये कंपैरेटिवली उतना प्लान नहीं है जैसा कि आपका मोहनजोदारो प्लान था, तो नॉट एज वेल प्लान्ड, ड्रेनेज सिस्टम भी उतना बढ़िया नहीं है। प्लस कालीबंगन का बरियल अगर आप देखिए, बरियल देखो एकदम से, ये मत समझना कि सर एकदम से रट जाएगा, अरे एकदम से नहीं रटेगा, सुनो पहले कहानी सुनो, मे बी तुम इस वीडियो के नोट्स बना लो, जो लिखा है वो तुम जो है यू नो ज़रूरी नहीं कि अभी, मे बी दोबारा देखना और इसके नोट्स बना लेना, एंड दिस इज़ लाइक गुड इनफ, राइट, है ना, आपका सारा काम हो जाएगा IBC का, ओके। तो बरियल्स, तो सर्कुलर बरियल भी मिलेगा, रेक्टेंगुलर बरियल भी मिलेगा। अब नॉर्मली रेक्टेंगुलर बरियल इज़ बेसिक, क्या आपने डेड बॉडी लिटा दी ऐसे, राइट, बट सर्कुलर बरियल या बड़ा बरियल का मतलब ये होता है कि नाउ देर विल बी डेड बॉडी, और उसके साथ साथ मे बी ग्रेव गुड्स, मे बी कुछ जो है औजार एंड ऑल, राइट, है ना, तो वो सब साथ में और बरी किया जा रहा है, तो इसीलिए बड़ी ग्रेव की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्कुलर ग्रेव भी है, रेक्टेंगुलर ग्रेव भी है, राइट। प्लस डेकोरेटिव ब्रिक्स यूज इन फ्लोरिंग, फर्श पे भी यू नो खूबसूरत जो है
ब्रिक्स इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि भाई जैसे उस समय टाइल्स नहीं होते होंगे, जैसे आज आप टाइल्स लगाते हो, मोज़ेक लगाते हो, मार्बल लगाते हो, ये लोग भी डेकोरेटिव ब्रिक्स लगा रहे हैं। तो ये अपने घरों को सुंदर भी बना रहे हैं कि हाँ हमारे घर ऐसे होने चाहिए, प्लान ऐसा होना चाहिए। तो कालीबंगन में हमको ये सब दिख रहा है। सिमिलरली सुरकोटडा, सुरकोटडा में डाउटफुल है कि हाँ हमें बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिले हैं, राइट, ये डिबेटेबल है। ओवल ग्रेव्स मिल रही हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ये इस जगह है तो शायद इसकी ट्रेड में एक्टिविटी में रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनो। धोलावीरा, धोलावीरा, धोलावीरा में आपको, देखो मैं ये सब बात नहीं कर रहा हूँ फैक्चुअल बात है कि किसने किया है, कौन सी नदी पे है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझते हैं, ये एमसीक्यू बन सकता है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, स्पेशली बैंक्स ऑफ रिवर लूनी, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ऐसे सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। तो ये आप देखिए, तो यहाँ पे आपको जाइंट वाटर रिजर्वायर नज़र आ रहा है, राइट, टेक्निकली यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, वाटर स्टोर किया जा रहा है। आज से 5000 साल पहले वाटर हार्वेस्टिंग की बात करना, वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करना, उसका सिस्टम बनाना, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। प्लस ये धोलावीरा का साइन बोर्ड है, राइट, है ना, और इसमें लिखा हुआ है कि हाँ ठीक से मेहनत करो, आंसर राइटिंग पे ध्यान दो और रिवाइज भी करो, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, राइट, हाँ तो करना है मतलब। तो धोलावीरा अब स्क्रिप्ट डिसिफर नहीं हुई है, कुछ भी कह सकते हो। तो फिलहाल तो ये स्क्रिप्ट हमको देखने को मिलती है धोलावीरा के साइन बोर्ड में, कि हाँ उनकी कोई ऐसी स्क्रिप्ट भी है, स्क्रिप्ट की बात अलग करेंगे। नाउ धोलावीरा में इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये तीन पार्ट में है, इसमें एक मिडिल टाउन भी एग्जिस्ट करता है, राइट, एक टाउन ये है, एक टाउन ये है, एक टाउन ये है, ये तीन पार्ट में। प्लस अजीब सी बात, यहाँ पे ओपन एरिया भी है, ओपन ओपन हो गया, एक सेकेंड, ओके, ओपन एरिया कहते हैं यहाँ पे शादी ब्याह होता था, मतलब जो भी सेरेमनी उस समय, अब पता नहीं होता था किस तरीके से, बट हाँ कोई ऐसी सेरेमनी वगैरह के लिए ये ग्राउंड यूज़ किया जाता रहा होगा। अंडरस्टूड। गेटवे एंट्रेंसेस, ये बाहर की दीवारें प्रोटेक्शन के लिए, मोटी मोटी बड़ी बड़ी दीवारें, आप कहेंगे सर ऐसे ब्लफ कर रहे हैं, है ना, मोटी मोटी दीवारें देख रहे हो, है ना, इस तरह की बड़ी बड़ी दीवारें, मोटी मोटी दीवारें आपको धोलावीरा में देखने को मिली। एंड बिकॉज ऑफ दीज ट्रेट्स, बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनेस्को ने अभी 2021 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया धोलावीरा को। और धोलावीरा 2021, यूपीएससी ने सवाल पूछ दिया कि कहाँ मिलता है वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट, राइट, कहाँ पे ये डैम्स और चैनलाइजिंग ऑफ वाटर हो रहा है, तुरंत तुरंत सवाल 2021 का, राइट। तो ये धोलावीरा पे ऑलरेडी ऑलरेडी सवाल आ चुका है, इस तरह से साइट्स पे 2019 का भी सवाल आ चुका है, 2019, 2021, अब 2023 में भी एक्सपेक्ट कर लो, आ सकता है सवाल, आ सकता है 2021 में, ओके। तो फिलहाल एक और इम्पॉर्टेंट जो है सेंटर उठाते हैं, लोथल। लोथल, तो लोथल बेसिकली डॉकयार्ड है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, एक बार लोकेशन देखो, तो दिस इज दी डॉकयार्ड, और ये एक्टिव है आपके सी ट्रेड में, राइट, डॉकयार्ड है यहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंस है फॉर सी ट्रेड। और दूसरा मैंने कहा था कि बीड मेकिंग फैक्ट्री, दो बीड मेकिंग फैक्ट्री कहा था मैंने, पहला वाला बताओ कौन सा है, कॉमेंट करो, राइट। तो फिलहाल बीड मेकिंग फैक्ट्री लोथल, तो दूसरा हमने रट लिया है कि बीड मेकिंग फैक्ट्री है लोथल में। लोथल फिर से सोचो, एक तो पहली बात तो डॉकयार्ड है, सी ट्रेड में इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात बीड मेकिंग फैक्ट्री है, और चौथी बात छः पार्ट में बटा हुआ है, राइट, अलग अलग उसमें जो है ये ब्लॉक एफ देन ब्लॉक ई, ऐसे ऐसे करके छः पार्ट में, और यहाँ पे बीड फैक्ट्री दिख रही है, देखो यहाँ भी ग्रेनरी दिख रही है। अंडरस्टूड। यू रियलाइज कि बेसिक्स ऑफ एवरी टाउन इज सेम, आर गेटिंग अ पॉइंट, कि हाँ कुछ जो है प्रॉपर उसको घेरा जाएगा दीवारों से, उसमें सेगमेंटेशन बनाए जाएंगे एंड ऑल, तो बेसिक्स जो है तुम्हारे जो है शहरों के, यू रियलाइज कि वो सेम है। तो लोथल हमें नज़र आ रहा है, छह सेक्टर में ये शहर बटा हुआ है। लोथल में हमको राइस हस्क मिला है, इसका मतलब इस एरिया में राइस का भी कंजम्पशन हो रहा था, राइट। देन एक जो है हमें पेंटिंग मिली है जार पे, है ना, एक हो ना स्टोरी सुनी होगी विकेट फॉक्स, कनिंग फॉक्स, राइट, तो शायद वो पंचतंत्र की कहानी यहाँ से चली आ रही है ना, पंचतंत्र में हमने शायद सुनी हुई है। यहाँ भी हमें डबल बरियल मिल रहा है, मेसोपोटामिया की सील मिल रही है, यानी मेसोपोटामिया से ट्रेड हो रहा था। एक आइवरी स्केल यानी कि मेजरमेंट भी होता था, नापा जाता था स्केल से, राइट। अब ट्रेड अगर तुम्हें करना है, अगर तुम्हें सामान बेचना है, तो तौलने के लिए, नापने के लिए सब होना चाहिए, तो यानी कि था, ओके। देन शिप का मॉडल, यानी शिपिंग भी चल रही थी,
और तभी तो ये डॉकयार्ड, और सोचो यही बातें तो अप्रिशिएट करने लायक है कि हाँ भाई उस समय शिपिंग हो रही है, आज से 5,000 साल पहले शिप द्वारा ट्रेड हो रहा है, आप डॉकयार्ड बना रहे हैं, और यहाँ भी देखिए हवन कुंड है, फायर आल्टर। अगेन कमेंट करो, पिछली बार फायर आल्टर कहाँ सुना था? कालीबंगन में, ठीक है तो रट डालो, कालीबंगन लोथल। तो कालीबंगन नॉर्थ में था, काफ़ी ऊपर जो है हरियाणा साइड, और ये आपका लोथल जो है आपका पड़ रहा है कहाँ? गुजरात साइड, प्लस बाकी सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ऑल। मैं लाइन बाय लाइन नहीं जा रहा ऑफ कोर्स, राइट, जो है स्टोर हाउस भी है, बटन सील भी है, स्टोर हाउस होगा, डॉक यार्ड के पास स्टोर हाउस होना भी चाहिए, राइट, तो स्टोर हाउस वगैरह मिलेगा। बाकी देर आर मोर साइट्स, बनवाली में एक और चीज़ देखते हैं। तो हमने कहा था कि कालीबंगन में आपको हल मिला है, राइट, तो आप कहेंगे सर हल तो मिला है, राइट, हल नहीं मिला है, सॉरी सॉरी माई बैड, हमने कहा कि कालीबंगन में कल्टीवेटेड फील्ड फील्ड मिली है, जो कि बताती है कि हाँ प्लॉ करा गया रहा होगा, प्लॉड फील्ड मिली है, राइट। बट आप कहेंगे सर किसी ने हाथ से ऐसे जो है गड्ढा कर दिया होगा, कैसे, किसी और चीज़ से किसी तरह गड्ढा कर दिया होगा, पैर से कर दिया होगा, तो फिर आपको कैसे पता? ओके, तो हमें पता चलता है बनवाली में, बनवाली में हमें दिखता है कि एक्चुअली क्ले मॉडल ऑफ प्लॉ, यानी कि उनको प्लॉ पता था, उसका मॉडल उन्होंने यहाँ बना रखा है, ऐसा नहीं उन्हें प्लॉ ही नहीं पता था। अब यहाँ भी देखिए हवन कुंड है, तो बनवाली का मैप अगर तुम देखो, यहाँ पे मैप क्लियर नहीं है, लेट मी गो बैक टू द मैप अगेन। तो कालीबंगन, बनवाली और राखीगढ़ ये सब आसपास ही हैं, तो कालीबंगन में हमको प्लॉट फील्ड मिली है, और बनवाली में क्या मिला है हमको? क्ले मॉडल मिला है प्लॉ का, और दोनों ही जगह फायर आल्टर यानी हवन कुंड मिला है, यानी शायद जो रिलीजियस जो ट्रेट है दोनों जगह ऑलमोस्ट एक जैसा है। अब आप कहेंगे सर हर जगह हवन कुंड क्यों नहीं मिल रहा? आप बताओ हर जगह हवन कुंड क्यों नहीं मिल रहा? इसका मतलब है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो वेरी करती हैं जगह जगह पे, ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम ही रिलीजन है, हर कोई सेम ही रिलीजन फॉलो कर रहा है, राइट, ये वेरी करेगी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, तो एक लास्ट हड़प्पन साइट राखीगढ़ी, क्योंकि काफ़ी बड़ी हड़प्पन साइट है और अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूज़ियम ऑफ हड़प्पन कल्चर बनाया जा रहा है राखीगढ़ी में, तो ये इसलिए न्यूज़ में है, प्लस ये सबसे बड़ी साइट भी है इसलिए भी ये न्यूज़ में रहती है। ओके, तो राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है ना, जो है राखीगढ़ी है, उसके बाद मोहनजोदारो है, फिर हड़प्पा है, फिर धोलावीरा, कनवेरी वाला, ये सब डेटा वेटा रटने की ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंस भी UPSC शायद नहीं पूछेगा, बट फिर भी सीक्वेंस आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं अर्बन कल्चर की, है ना, तो हमने अब तक जो बात करी हमने साइट वगैरह इस्टेब्लिश कर ली है, अर्बन कल्चर का डिस्कशन करते हैं कि ये शहर दिखता कैसे, पूरा शहर कैसे इस्टेब्लिश हुआ है, आइए इसका डिस्कशन। तो अब तक हमने बात कर ली, हमने क्या है IVC इसके बारे में डिस्कशन कर लिया, तो हमने अब तक जो बात करी इंट्रोडक्शन में बात कर ली कि हाँ क्या है ये IVC, टाइमलाइन समझा कि किस जोन में आ रहा है और प्लस ओरिजिन कैसे है, फेजेस की बात करी, तीन फेजेस जिसमें मैच्योर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उसके आगे हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स देखी, मैच्योर साइट्स, फिर हमने अर्बनाइजेशन और टाउन प्लानिंग पे अभी हम लोग आ गए, आइए ये बात कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, बात करते हैं कि किस तरीके का अर्बन कल्चर, किस तरह का शहर हमें यहाँ देखने को मिला, राइट। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि UPSC ने दो बार मेंस में सवाल पूछा हुआ, रिसेंट भी है 2014 जो, अगर आप देखिए, तो व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, आज की अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स जो हैं वहाँ वो कैसे सॉल्व करी जा सकती हैं यूजिंग इनपुट्स फ्रॉम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1996 में भी इन्होंने टाउन प्लानिंग के बारे में जो है UPSC ने सवाल पूछा हुआ था। भाई बात शुरू करते हैं, तो अर्बन कल्चर, तो हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग की, बात करेंगे रोड, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम, घरों की बात करेंगे, और फिर पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करेंगे, आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि भाई पहले डेफिनेटली ये गांव यू नो इस एरिया में रहे होंगे, इस तरह के विलेज रहे होंगे, धीरे धीरे आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, स्पेशलाइज होती जाएगी, एक अच्छा एग्रीकल्चरल बेस क्रिएट होगा, वो एग्रीकल्चरल सरप्लस जो हमको चाहिए, राइट, प्लस वो स्पेशलाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं कि बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ कि बेचा जा सके, ट्रेड डेवलप होगा, और तब कहीं जाके इस तरह के शहर बसेंगे, टाउन्स और सिटीज़ बसेंगी, जैसा कि हम देख रहे हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा, राइट। तो आइए जरा आर्किटेक्चर समझते हैं इसका, तो एक आर्किटेक्चर ड्रॉ करके देखते हैं पहले तो पिकअप करते हैं एक आर्किटेक्चर,
थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, तरह से थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म पे हम बनाएंगे अपना सीटाडेल। सीटाडेल यानी फोर्ट, राइट। और लगभग इससे थोड़ी दूरी पे, लगभग 40 मीटर की दूरी पे हमारा बड़ा टाउन एग्जिस्ट करता है, लोअर टाउन। इसके बाहर वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो टेक्निकली दिस इज द सिटाडेल, एंड ये जो है ये आम जनता, लोअर टाउन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग्स हमको देखने को मिल रही थी यहाँ पे। जनरली ये इधर नदी किनारे होता है, रिवर के पास में होगा, हो सकता है इधर कोई रिवर भी फ्लो कर रही हो, जैसा हमें डायग्राम दिख रहा। तो इतना हमें डायग्राम में भी दिख रहा, राइट। अब इसके आगे बात बढ़ाते हैं, हमको क्या दिख रहा है इसमें कि ये जो प्लानिंग है ये एक्चुअली ग्रिड प्लानिंग है। जैसे प्लॉट काटे जाते हैं ना, अगर आप शहर में देखें अपने जो रियल स्टेट में हैं, जब वो प्लॉट काटते हैं तो इस तरीके से पूरा प्लॉट काटते हैं कि भाई एक तो मेन रोड जा रही है, चौराहे पे काट रही है ऐसे, राइट, और बाकी इस तरह का प्लॉट काटा जाता है, में लोग रहेंगे, इन ब्लॉक्स में लोग रहेंगे। इस तरह की प्रॉपर ग्रिड प्लानिंग हमको देखने को मिलेगी, राइट। इसके बीच में घर बनेंगे, अब वो घर छोटे बड़े हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि भाई फाइनेंशियली वो फैमिली कैसी है, क्या है, लेकिन इस तरीके का प्रॉपर प्लान हमको देखने को मिलेगा। तो अब हमको टाउन प्लान नज़र आ रहा है। अब समझो कि दिस इज वेरी मच ऑन मॉडर्न लाइंस। हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रिड प्लान की। मॉडर्न टाउन प्लानिंग में ग्रिड प्लान को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा अगर आप देखें, चंडीगढ़ देखें, विच आर प्लान सिटीज, तो ग्रेटर नोएडा बिल्कुल अल्फा बीटा गामा डेल्टा में जिस तरह बटा हुआ है, तो वैसे ही स्क्वायर से बटा हुआ है कि एक एक किलोमीटर की रोड के बीच में अल्फा वन है, राइट। तो एक अल्फा वन डेल्टा वन ऐसे करके उन्होंने बना रखा है। तो ये बिल्कुल मॉडर्न लाइन्स पे है कि प्रॉपर ग्रिड प्लान। प्लस ये रोड भी अगर आप देखेंगे तो ये रोड एक्चुअली ऊपर की साइड नॉर्थ है, नीचे की साइड साउथ है, ये आपका वेस्ट है ऑटोमेटिकली। पहली बात जो है, जो 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 है विंड का डायरेक्शन है, विंड का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली यहां पे वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके से बनाया गया है। रैंडम नहीं कि टेढ़ा ताड़ा बना दिया, हवा ही नहीं आ रही है, तो ये प्रॉपर शहर को सक्शन पंप की तरह, यू नो, प्रॉपर शहर को क्लीन करके निकल रही है हवा। तो ये भी यू नो सोच के बनाए गए, कार्डिनल डायरेक्शन यूज करी गई हैं, राइट। साथ ही साथ खाली इतनी कहानी नहीं है, साथ ही साथ वी विल सी कि इन घरों के साथ प्रॉपर पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम भी है, नालियां भी हैं भाई, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिले कि नालियां घरों से कनेक्टेड हैं, रोड के पैरेलल जा रही हैं। जैसे आपने अपने घरों में भी देखा होगा ना कि हाँ, घर के ठीक सामने बगल पैरेलल गली में नाली भी जा रही है, राइट। तो नालियाँ भी हैं यहाँ पे, है ना, जो है स्पेशली बॉयज़ को पता होगा क्योंकि बॉल जाती, क्रिकेट खेलते थे तो, है ना, तो बॉल जाती थी उसमें, तो वैसा ही यहाँ भी। बट यहाँ बॉल नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि दीज आर कवर्ड ड्रेन्स। इन्होंने इंश्योर किया है कि ये नहीं कि बच्चे नाली में से जाके बॉल उठा रहे हैं, हाइजीन इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो ये दीज आर कवर्ड ड्रेन्स एज वेल, उसकी क्लीनिंग भी होती है। तो ड्रेनेज सिस्टम भी है, स्ट्रीट्स भी हैं, टाउन प्लानिंग भी है, राइट। इधर आपको पब्लिक बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं, दिस इज फोर्टिफिकेशन, फोर्ट है, तो टेक्निकली शायद सिक्योरिटी भी है। अब शायद क्यों कहा सिक्योरिटी, उसका रीज़न है, लेकिन फिर भी हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, दिस इज़ लाइक प्लान्ड एट अ वेरी गुड लेवल, और ये काफ़ी सेंट्रलाइज प्लानिंग दिख रही है, क्योंकि इसी इसी धर्रे पे, इसी कॉन्सेप्ट पे आपके मैक्सिमम टाउन्स बेस्ड है। सारे ही टाउन्स आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पे आपको नज़र आएगा, यानी सेंट्रल प्लानिंग जैसा शायद कुछ एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इतना कोहरेंस, इतनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टाउन्स हमें नज़र आ रही है।
आइए समझते हैं। तो ये जो हम देख रहे थे वहाँ पे, तो देखिए ग्रिड प्लानिंग जो हम बात कर रहे थे, देखिए ये ग्रिड प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, राइट। बाहर प्रोटेक्शन में दीवारें भी खड़ी कर रखी हैं, इधर वो आपको सिटाडेल दिख रहा है, पब्लिक बिल्डिंग, और बीच में जो गैप मैं कह रहा था, देखिए गैप भी है 40 मीटर का, राइट। क्रेडिट गोज टू मोहनजोदड़ो मूवी क्रिएटर्स, इन्होंने इस मैप को बनाया, ओरिजिनल मैप आपको यहाँ देखने को। प्लस प्लस एक और चीज़ कि हाँ, इसमें जो ड्रेनेज जो है, ये सारा ड्रेन कहीं कनेक्ट होके किसी 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 सोक पिट में जाता है। ऐसा नहीं कि घर के पीछे बहा दिया है, नहीं, राइट, किसी सोक पिट में जाके कलेक्ट होता है, गड्ढे में जाके कलेक्ट होता है और सोक होता है। प्लस यू विल रियलाइज कि कूड़ा फेंकने के लिए कुछ डेडिकेटेड स्पॉट्स हैं, फॉर वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट के लिए डेडिकेटेड स्पॉट है। ये नहीं कि हाँ केला खाया खिड़की के बाहर फेंक दिया, नहीं भाई, है ना, यू हैव टू एक्चुअली डंप योर होल यू नो वेस्ट एंड ऑल एट सम पॉइंट, और फिर वहाँ से कलेक्शन होता होगा, डैट मीन्स इसका भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो मतलब हेल्थ, सैनिटेशन, हाइजीन, ये सारी चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सारा चीज़ हमें देखने को मिलेगा। तो ये समझते हैं जरा टाउन प्लानिंग जो है, जो हमने बात करी, इसी को आगे ऑब्जर्व करते हैं, और डिटेल में चलते हैं। तो सिटाडेल हमने देखा कि हाँ, अपर पार्ट रेस पार्ट जो है वो सिटाडेल जनरली, या फिर ऐसा समझिए कि वेस्टर्न साइड में होता है, राइट। यहाँ पे वर्चस्व वाले लोग होते थे, अगर रूलर्स होते होंगे तो हाँ शायद रूलर्स यहाँ रहते होंगे, अगर मर्चेंट्स यहाँ पे मेन हुआ करते होंगे तो बिजनेस वाले लोग वहाँ रहते होंगे, वर्चस्व वाले लोग रहते होंगे, प्रीस्ट अगर होगा तो वहाँ रहता होगा, राइट। बाकी के आर्टिजन एंड ऑल जन उसमें नॉर्मल उसमें रहते होंगे, राइट। ग्रेनरीज एंड ऑल आपको यहीं मिलेगी, वो जो हम वाटर टैंक देख रहे थे, ग्रेट बात, वो सब यहीं पे है, हमने मैप में देखा भी था, ये वाला मैप है ना। तो ये आपका सिटाडेल है, इसमें आपको पिलर्ड हॉल, ग्रेट बात, ग्रेनरी, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। खैर, हमने बात करी ग्रिड प्लान की, हमने धोलावीरा स्पेशली देखा था कि हाँ मिडिल टाउन भी एग्जिस्ट करता है, कि हाँ एक मिडिल टाउन भी है, तीन पार्ट में है, ओपन एरिया भी है, तो कहीं कहीं पे कुछ स्पेशल बातें, यहाँ 6 ब्लॉक में देखा था हमने, राइट, है ना। ये लोथल में हमने 6 ब्लॉक में समझा था इसको। स्ट्रीट्स की अगर हम बात करें तो चौड़ी सड़कें हैं, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहाँ पर मुड़ती है वहाँ पर कर्व दे रखा है, ये नहीं कि कार टायर फंस गया, नहीं, मुड़ने के लिए कर्व भी दे रखा है, राइट। देन लैम्प पोस्ट, लाइटिंग का भी जुगाड़ है कि भाई रात को अगर आप गुजर रहे हैं तो अंधेरे में फंसने नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ ड्रेन भी प्लान्ड है, इसी में घरों के नाले भी जा रहे हैं, नालियां भी जा रही हैं, घर के साथ पूरी प्लानिंग है इसकी, एनक्रोचमेंट जैसा कुछ नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम देखिए, ये ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है, आपको दिखेगा स्लोपिंग भी है, पानी रुकेगा नहीं, इसमें इंस्पेक्शन होल्स भी हैं, बीच बीच में चेक करके आप सफाई करवा सकें, देख रहे हैं प्रॉपर प्रॉपर लेड ड्रेन्स नज़र आ रहे हैं हमको यहाँ पे, दिस इज एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम, इंस्पेक्शन होल, मैन होल, जेंटल स्लोप, राइट, ब्रिक लाइनिंग, ये सारी चीज़ें हमें नजर आएंगी ड्रेनेज सिस्टम में। आई एम नॉट गोइंग लाइन बाय लाइन, है ना, आप पढ़िएगा, राइट, लेकिन हाँ जो मेन मुद्दा है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्ट्रीट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम और ओवरऑल टाउन प्लानिंग देखिए हमने। अब जरा घर का प्लान देखिए, घर आपको दिखेगा कि नॉर्मल जो एक स्ट्रक्चर देखें, ऐसा नहीं कि सारे घर सेम है, बट एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आंगन होगा, आंगन के किनारे रूम्स होंगे, राइट। कहीं कहीं घरों में ज़्यादा छोटा बना दिया ने, जस्ट अ सेकंड, ओके, आंगन होगा और आंगन के किनारे आपके होंगे, कहीं कहीं किचन भी होगा, कहीं क्या किचन तो होगा ही ऑफ कोर्स, राइट, इसी में बाथरूम होगा, एक बाथरूम की जो नाली है वो जाके आपकी मेन जो ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम है के साथ कनेक्टेड है, किचन भी है, बाथरूम भी है, किचन भी है, रूम्स हैं, ये आपका आंगन है, कहीं कहीं आंगन में वेल भी है, कुआं भी है, घर के अंदर अपना खुद का कुआं, जरूरी नहीं कि हर घर में कुआं हो, बट जो भी अफोर्ड कर सकता है उसने घर में कुआं लगा रखा है, बात समझ आ रही है। प्लस चौंका देने वाली बात, सीढ़ी भी है ऊपर जाने के लिए, यानी कि ये 2 स्टोरी है, 2 मंजिला घर है भाई, सीढ़ियां जाती हैं ऊपर, कहीं कहीं ऊपर भी बाथरूम दिख रहा है। प्लस जो छत है, छत रूफ के लिए, रूफ के लिए आप वही मड यूज कर रहे हैं, रीड यूज कर रहे हैं, राठा एंड ऑल, मड रूड का, रीड का इस्तेमाल। फ्लोरिंग हमने ऑलरेडी बात करी थी कि हमें कई जगह फ्लोरिंग में भी डेकोरेशन मिला, डिजाइंड फ्लोरिंग लिखा हुआ है, राइट, फ्लोरिंग में भी जो आप ब्रिक यूज कर रहे हैं वो डिजाइंड है, राइट, डिजाइंड ब्रिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लोरिंग में, बात समझ आ रही है।
इस तरह से प्रॉपर घर नज़र आ रहे हैं, छोटे बड़े हर जगह वेल नहीं होंगे, क्योंकि अब हर जगह वेल नहीं है तो सबको पानी मिलना चाहिए, इसीलिए आपको पब्लिक वेल्स भी मिलेंगे। बीच बीच में कहीं पब्लिक के लिए, जनता के पानी पीने के लिए, जनता के पानी की ज़रूरत के लिए बीच बीच में आपको वेल मिलेगा। ओके, तो खैर, तो हमें टाइल्ड बाथरूम, ऐसा कोई विंडो फेसिंग स्ट्रीट्स नहीं है, राइट, कि हाँ ऐसी खिड़की जो स्ट्रीट पर निकलती हो, ऐसी खिड़की दरवाजे आपको नहीं मिलेंगे। जनरली वो पीछे वाली लेन में निकलते होंगे, विच इज़ ऑल्सो गुड, कि आप सोचिए रोड पे अगर दरवाज़ा खोल देंगे, क्या पता बच्चा दौड़ता हुआ जाए, उधर से कार्ट आ रहा है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। प्लस लोग आते जाते, लोग आपके घर के अंदर देख रहे हैं, पॉइंट से अच्छा नहीं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। तो क्या होगा कि जो घर होंगे उनके जो दरवाजे होंगे जनरली साइड वेज होंगे। तो इस तरह से घरों में भी दिमाग लगाया है, यहाँ घर कैसे बनते होंगे, राइट। हमने ऑलरेडी छत वगैरह की बात कर ली है ना, कहीं भी हमें छोटे छोटे बैरक लाइक ग्रुप्स भी दिख रहे हैं, ऐसे छोटे घर जहाँ पे शायद यू नो किराएदार यू नो जो वर्कर्स होंगे है ना, जो मे बी ग्रेनरी का में काम करने के लिए जो वर्कर्स वगैरह रखे हैं, उनके लिए ऐसे छोटे घर भी होंगे, बैरक्स। वॉच एंड वार्ड सिस्टम, भाई सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ कहीं पे बना दिया पोस्ट, उस पर कोई खड़ा होकर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। वेस्ट फेंकने के लिए बिल्कुल एक जगह, पब्लिक वेल्स इन एवरी स्ट्रीट, ऑलरेडी हमने बात करी। जो भट्टे वगैरह हैं उनको शहर में अलाउ नहीं करेंगे, ये नहीं कि शहर के बीचों बीच तुम ईंटे का भट्टा बना के बैठ जाओ, नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो आप शहर के बाहर रखिए, शहर के अंदर भट्टे मत रखिए। इसके अलावा पब्लिक बिल्डिंग्स हमने ऑलरेडी बात करी, एक हमने पिलर्ड हॉल की बात करी थी, शायद यहाँ पे कुछ मीटिंग्स होती होंगी नोबल्स की। ग्रेट बात हमने बात करी कि एक लंबा सा स्विमिंग पूल, बड़ा सा स्विमिंग पूल, जरा फोकस करो, दोनों साइड्स इसमें सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे इवन नीचे भी देखो तो जो है आपको दिखेगा कि ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है फ्लोरिंग के लिए भी, और इसमें टार का यूज़ करके इसको एक्चुअली वाटर प्रूफ भी कर दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि हाँ इसको नीचे पानी सोखे ना, नीचे ना चला जाए पानी, इसीलिए पूरी वाटर प्रूफिंग भी कर रखी है। इसमें पानी आने का सोर्स कुछ और है, जाने का सोर्स कुछ और है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि शायद ये बारिश का पानी भरते होंगे इसमें, नहीं भाई, ये प्रॉपर पूल है जिसमें प्रॉपर जो है वाटर का आने जाने का प्रॉपर सिस्टम कनेक्टेड है। ये क्यों इस्तेमाल होता था वी डोंट नो, मोहनजोदड़ों में जैसे इस गाने में जो है इस पूल में शी इज़ एक्चुअली गोइंग विद दी सिंधु सिंधु माँ, राइट, जो रिवर है सिंधु रिवर है, उनको माना है कि वो माँ की तरह है और उनको वो समर्थ जो है विसर्जित करने जा रही, जैसे गणपति विसर्जन होता है बिल्कुल वैसे ही वो विसर्जित करने जा रही। वी डोंट नो कि जो है क्या सीन था, क्या यूज़ होता था, वी डोंट नो, बट इसे फिलहाल ग्रेट बात का नाम दिया गया है। अब इसके आसपास कमरे भी हैं, जैसे यहाँ आपको कमरे दिख रहे हैं, राइट, अब ये जो रूम्स दिख रहे हैं शायद ये चेंजिंग रूम्स हों, शायद किसी के रुकने की जगह, वी डोंट नो, राइट, बट इस तरह के रूम्स भी हैं। दूसरी एक बहुत बेहतरीन बात है कि जो ईंटें इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे यहाँ चाहे आपके घरों में, ये जो ईंटें इस्तेमाल हो रहे हैं, इन ईंटों का रेशियो सेम रहेगा, 1:2:4, बड़े ईंटे छोटे ईंटे हो सकते हैं बट रेशियो सेम रहेगा। इस लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन कि पूरी सिविलाइजेशन में ईंटों का रेशियो सेम रह रहा है, साइज ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन रेशियो सेम रहेगा, ये दिखाता है कि हाँ यू नो कुछ तो खास बात है। प्लस पंट ब्रिक्स का यूजेज हो रहा है, पंट ब्रिक्स, ये जो ईंटें इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे, ये मड ब्रिक्स नहीं है, सन ड्राइड ब्रिक्स नहीं है, मिट्टी का बना दिया, सुखा दिया, लगा दिया, नहीं, भट्टे में उसको जला के पक्का किया गया, पक्की ईंट है ये, जो कि हमको अलग करती है इजिप्ट से। इजिप्ट में अभी भी ड्राई ब्रिक्स, जो एक और सिविलाइजेशन देखी थी ना हमने, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वहाँ पर अभी भी सन ड्राई ब्रिक्स, खाली ईंटा सुखा के लगा दे रहे हैं लोग, पक्की ईंट नहीं बना रहे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो बीच वाली सिविलाइजेशन थी, अगर उससे कंपेयर करो तो वहाँ पे बंट ब्रिक यूज़ तो होता है बट इस लेवल पे यूज़ नहीं होता कि जो है यू नो फर्श पे लगा दो, स्विमिंग पूल में लगा दो, इस लेवल पे मतलब ये खाली इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में देखने को मिला है। ओके, खैर, तो वापस आते हैं, तो हमें एक पूल देखने को मिला, ग्रेट बात। इसके अलावा बड़ी बड़ी ग्रेनरीज हमको देखने को मिलेंगी जो कि स्टेट ग्रेनरी हैं, जो हम कंपेयर कर रहे थे आज के यू नो पीडीएस सिस्टम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, यहाँ पे जो है आपके स्टोरेज किया जाता होगा सीरियल का, ग्रेन का, मे बी समथिंग लाइक टैक्स हो सकता है, मे बी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वी आर स्टिल नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। प्लस इसमें भी कंपार्टमेंट्स हैं कि भाई यहाँ पे एक तरीके का ग्रेन आएगा, यहाँ पे एक और तरीके का ग्रेन आएगा, इस तरह से कंपार्टमेंट भी क्रिएट कर रखें, ये नहीं कि पूरे में एक ही चीज़ भर दिया गया है, ऐसे कंपार्टमेंट भी होने चाहिए सो दैट एक ख़राब हो तो दूसरा ना ख़राब हो, तरह तरह के जो है ग्रेन्स यहाँ पे रखे जा सकें, तो इस तरह की ग्रेनरी हमें देखने को।
ओके तो इसी के साथ हमने अर्बन कल्चर खत्म कर लिया है, हमने बात करी टाउन प्लानिंग की, हमने बात करी रोड सैनिटेशन ड्रेनेज सिस्टम राइट, हाउसेस की बात करी और पब्लिक बिल्डिंग्स की भी बात करी राइट. तो ये हमारा सेंटर था. इसके अलावा इस शहर में ट्रेड वगैरह हो रहा है राइट, बाकी जो एडिशनल है अभी आगे डिस्कस करेंगे राइट, स्पेशली ट्रेड वाला पार्ट इकोनॉमी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे विद विद इकोनॉमी आर नेक्स्ट टॉपिक. भाई बात करते हैं इकोनॉमी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की में इकोनॉमी, क्योंकि ट्रेड जैसा कि हमने कहा ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये डिस्कशन करते हैं ट्रेड का इकोनॉमी का. तो इकोनॉमी का डिस्कशन चालू करते हैं. तो सबसे पहले कुछ बात इकोनॉमी में जाने से पहले बताना चाहूँगा कि जब भी किसी एरा में इकोनॉमी की बात करी जाए, जस्ट अ सेकेंड, जब भी किसी एरा में इकोनॉमी की बात करी जाए तो वहां पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती. पहला होता है एग्रीकल्चर, सेकेंड लाइफ स्टॉक एंड थर्ड ट्रेड. अब देखो पहली दोनों चीजें तो बेसिक हैं, है ना भाई, न्यूलिथिक में हमने एग्रीकल्चर सीख लिया था, बेसिक रोजी रोटी है भाई वो तो, है ना, रोटी है बेसिकली एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक बेसिक है. ट्रेड तो ये तो एक्स्ट्रा पैसा है, आना जाना है, बोनस की तरह है भाई. अगर किसी सिविलाइजेशन में किसी शहर में किसी टाइम में ट्रेड हो रहा है, उससे पैसे आ रहे हैं या उससे लेट से नए रिसोर्सेज आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही है, तो बहुत ही बढ़िया है. बट क्या वो हमेशा होगा? ज़रूरी तो नहीं. बट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेड होना चाहिए राइट. ट्रेड के कुछ इनेबलर्स भी होते हैं तो ट्रेड पे आएंगे, बट सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की राइट. अब यहाँ पे हमें क्योंकि हमें अर्बन क्रिएट करना है, शहर क्रिएट करना है, तो नो डाउट हमें यहां पे सरप्लस चाहिए राइट. और इस सरप्लस के लिए डेफिनेटली हमें एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, जिस जो कि चाकोलिथिक से या जो बाकी का जो एरिया जो प्रोडक्शन कर रहा था या पहले जो प्रोडक्शन हो रहा था उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सके राइट. तो आइए देखते हैं एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में हम नोटिस करेंगे कि हाँ ऑक्यूपेशन तो, हम तो एग्रेरियन इकोनॉमी है तो मेन ऑक्यूपेशन तो हमेशा ही रहेगा राइट. तो ओवरऑल ये जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है, जो शहर क्रिएट हो रहे हैं, ये बेस्ड है रूरल सपोर्ट पे, आसपास के गांव पे या ना उस एरिया पे वो लोग जो कि कुछ उगा रहे हैं, खाना उगा रहे हैं और तो शहरों में भेज रहे हैं, उस पे इस पे जो है इनकी हाईली डिपेंडेंसी है राइट. नाउ अगर हम आज से कंपेयर करें तो ये एरिया हमें थोड़ा सा कम फर्टाइल दिखता है, बट उस समय बारिश भी ज़्यादा होती थी, फर्टिलिटी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा थी, ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन था, बारिश भी ज़्यादा थी, फ्लड वगैरह भी बहुत आते थे. तो बारिश होती थी, यू कैन से जो है फ्लड भी है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है. ये तो एक बात हो गई. कैसे प्रोड्यूस करते थे लोग? ये लोग क्या करते थे कि जब लेट से यहाँ पे आपका पानी है, नदी है, और बारिश के सीज़न में ये पानी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, और फिर ये रिसीड करेगा, जब वापस सीज़न ख़त्म होगा तो वापस जाएगा. जब ये वापस जाएगा उस समय यहाँ पे जाके बीज बो दो, और इसके पहले कि पानी फिर से ऊपर चढ़े जाके आप अपनी हार्वेस्टिंग कर दीजिए. तो इस तरीके से आप सोचो ये कोई बहुत माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी तो नहीं है, जुगाड़ है राइट, जुगाड़ है. तो हाँ उन्होंने जुगाड़ अच्छा लगा लिया है कि वो जो रिवर बेड है जहाँ पे पानी ऊपर नीचे जाता रहता है, उसी सरफेस वाटर को इन्होंने यूज़ कर लिया है, उसी पानी को, वो जो यू कैन से जो सरफेस जो पानी सोख रहा है उसी पानी को, उसी नमी को इन्होंने यूज़ करके एग्रीकल्चर चालू कर दिया है. ये एक बात हो गई. तो ये जो है नवंबर में जबकि फ्लड पीछे जा रहा है उस समय सो कर देते थे वीट और बाड़ले. तो मेन क्रॉप हमको दिख रही है वीट और बाड़ले. अब हमें राइस के भी एविडेंस मिले हैं डेफिनेटली, लेकिन वीट और बाड़ले हमें यहाँ पे मेन दिख रहा है. दूसरा, अप्रैल में जाके, नवंबर में बोते थे, अप्रैल में उसके पहले पानी वापस आए, अप्रैल में जाके काट दिया, उनके लिए फसल तैयार है. तो एक तो ये देखो टेक्निक इन्होंने लगा ली. दूसरा हमने सीखा था कि भाई प्लॉ का यूसेज स्पेशली प्लेसेस लाइक काली बंगन बनवाली, तो प्लॉ का यूसेज ये नई टेक्निक भी है, इसकी वजह से भी प्रोडक्शन बढ़ेगा. काली बंगन में आपके पास हल आ चुका है राइट. देन स्टोन सिकल्स यूज कर रहे हैं काटने के लिए, अगेन कोई बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं है, बट यस स्टोन सिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है. एक और चीज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे कि इरिगेशन का जुगाड़ होना चाहिए. आप कहेंगे सर इस टाइम में इरिगेशन होता था, पता था? तो पहली बात, इसी टाइम में अफगानिस्तान वगैरह में नाला और गाबड़ बंद ये जो है आर्टिफिशियल इरिगेशन पॉसिबल था, होता था. तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है.
यहाँ पे कोई ऐसा इरिगेशन का जुगाड़ नहीं है। देख रहे हो क्या टेक्निक लगाया है, जुगाड़ लगाया है खाली, इरिगेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन जो है आपका धोलावीरा है, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वगैरह है, वही एक एक्सेप्शन है। बट अदरवाइज दिस इज हाउ देवर मैनेजिंग दिस एग्रीकल्चरल सरप्लस। अब ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग है कि हाँ ये जुगाड़ से, इस टेक्निक से ये किस तरीके से मैनेज कर रहे थे। दूसरा, जो फरोड फीड मिली है हमको, फरोड फीड मिली जो हमको, वो कालीबंगन में, राइट, लिमिटेड एरिया में है। तो वी आर नॉट वेरी श्योर कि हाँ किस तरीके से इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, बट मे बी बारिश भी अच्छी है, फर्टाइल लैंड है, इंडस एंड ऑल, बहुत सही एरिया है ये बेसिन, राइट, काफ़ी फर्टिलिटी है, अलूवियम है वहाँ का, है ना, फर्टाइल है बिल्कुल, अलूवियम आ रहा है, तो इस वजह से शायद प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है और एग्रीकल्चरल सरप्लस मौजूद है। तो दो जो है, अगर आप क्रॉप देखें तो दो मेन हमने बात करी, वीट और बार्ले, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लोग उगा रहे हैं, राई है, पीज है, सीसमम है, मस्टर्ड है, जुजुबी है, क्या सारा रटना होता है? नहीं, मेन मेन याद रखो, वीट बार्ले राइस के भी एविडेंस हमको मिले हुए हैं, राइट, है ना, लोथल और रंगपुर में हमको राइस के एविडेंस मिले हुए हैं। इसके अलावा देखो ये जो है वाटर मेलन उगा रहे हैं, खजूर है, मिलेट्स हैं, ग्रेप्स है, हिना, मेहंदी, गार्लिक, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें जो है ये लोग उगा रहे हैं। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉटन, कॉटन उगा रहे हैं, तो ये मेजर टेकअप है। दो चार नाम अगर हमें रटने हो तो दो चार नाम में देखो, वीट, बार्ले बिल्कुल बेसिक, प्लस राइस, राइट, प्लस आपको जो भी और याद रह जाए, प्लस कॉटन। कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉटन टेक्निकली मेहरगढ़ में बहुत पहले फिगर आउट हो गया था। शायद मैं क्लास में शुरू में कह भी रहा था कि जो है यू नो कॉटन हमारे डीएनए में है ना, टेक्सटाइल डीएनए में हमारी, तो फिलहाल तो मेहरगढ़ में अराउंड 7000 BC के आसपास ही, है ना, ये कॉटन का जो है यू नो हमने कॉटन फिगर आउट कर दिया था, तो कॉटन तो हमें पता है, तो कॉटन का भी प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब ये जो कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है, इससे जो कपड़ा बन रहा है, बनाया जा रहा है, जो स्पिनिंग हो रही है, वो घर घर हो रही है, हर घर में, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर घर में दे आर लाइक स्पिंडल्स, राइट, स्पिंडल्स हैं, और उससे वो लोग यू नो जो है कपड़े का काम हो रहा है, कॉटन का काम हो रहा है। तो ये आपको दिखेगा, ये 5000 BC है, माई बैड, 5000 BC पे कॉटन का ऑलरेडी जो है डिस्कवरी हो चुकी है। तो फिलहाल क्लोथ हमको मिला भी है, मोहनजोदारो में वास पे मिला हुआ है, तो वी नो कि हाँ क्लोथ है। तो स्पिंडल वॉल्स बहुत ही कॉमन है, बहुत ही बेसिक है, है ना, ये घर घर में ये स्पिंडल वॉल्स हमको मिल रहे हैं, और जो स्पिनिंग है दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई स्पिनिंग कर रहा है। तो कपड़ा खूब बना रहा है, कपड़ा खूब प्रोड्यूस भी हो रहा होगा, और कपड़ा हो सकता है खूब ट्रेड भी हो रहा हो, पॉसिबल है। चलिए, तो ये तो हमने बात करी एग्रीकल्चर की, कि हम क्या क्या उगा रहे हैं, टेक्निक की बात कर ली एग्रीकल्चर में, और हमने बात कर ली कि हम क्या उगा रहे हैं। दूसरी बात, लाइव स्टॉक की बात करते हैं इकॉनमी में। ना, लाइव स्टॉक में आप देखेंगे तो एनिमल्स का प्रेम तो पहले से ही है भाई, हम लोग चरवाहे हुआ करते थे इसके पहले, तो एनिमल्स का प्रेम तो बेसिक है। अब यहाँ पे एनिमल्स का यूजेज डिपिक्शन बहुत सारा मिलेगा, राइट, है ना, तो यहाँ पे एनिमल्स डोमेस्टिकेशन आपको अच्छा खासा मिलेगा, ऑक्सन, बफेलो, गोट्स, शीप, पिग्स, हम्ड बुल, बहुत सारे आपको एनिमल्स दिखेंगे। कैमल का आपको साइन मिल रहा है, डॉग और कैट का आपको साइन मिल रहा है, खाली एक हॉर्स जो है वो डिबेटेबल है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि हॉर्स नहीं पता था हमको, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एनिमल्स यू नो हमें यहाँ पे मालूम है, और उनका यूजेज भी है, उनको जानते भी हैं। एलिफेंट्स, राइनोसोरस, ये सब हमको मिलेंगे, राइट, सबका एक्नॉलेजमेंट भी है, यूजेज भी है। नाउ इसी समय अगर मेसोपोटामिया को कंपेयर करो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है उनको जो है एलिफेंट की जानकारी नहीं है, वो एलिफेंट डोमेस्टिकेट नहीं कर रहे हैं, राइट, है ना, एलिफेंट के डोमेस्टिकेशन के अलावा सब चल रहा है। ये एनिमल का डिपिक्शन अभी हम लोग सील्स में भी देखेंगे, सील्स की बात करेंगे तो सील्स में बहुत सारे एनिमल्स नजर आएंगे। देन एनिमल डेफिनेटली जो है यू नो ओरिजिनली हम नॉनवेज जो है डाइट को बिलोंग कर रहे थे, हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे फिश और एनिमल का यूसेज, राइट, प्रॉन्स एंड ऑल, तो इवन मोलस्कस वगैरह, तो फिश ईटिंग, मोलस्कस, ये सारी चीज़ें, तो दिस इज प्रोवाइडिंग अस प्रोटीन, तो नॉन वेज डाइट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो लाइव स्टॉक हमने समझा कि हाँ लाइव स्टॉक की हमने बात करी, ग्रीनरीज की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की इकोनॉमी के, विच इज ट्रेड। नाउ ट्रेड करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ प्रोडक्ट बेचोगे क्या, एंड दूसरी चीज़ देयर आर सर्टेन इनेबलर्स, राइट,
जो कि इस बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, जो कि इस बेचने को खाली प्रोडक्ट बना दिया, जिसका मतलब ये थोड़े प्रोडक्ट अपने आप जो है ईरान पहुंच जाएगा, है ना। तो ये इनेबलर भी यहाँ पे उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रोडक्ट। नाउ इनेबलर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल इनेबलर में आती हैं सील्स। एक्चुअली टेक्निकली सील्स का मतलब है कि बिजनेस हाउस रहे होंगे, एंटरप्रेन्योर्स रहे होंगे जो कि इस ट्रेड को टेकअप करें, है ना, मर्चेंट्स रहे होंगे राइट, जो कि इस ट्रेड को लीड कर रहे होंगे, इस प्रोडक्ट को बेच कर आ रहे होंगे, ये एक्सचेंज वो लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे राइट, ये जो है टेक केयर कर रहे होंगे। तो बिजनेस हाउस का होना पहला ही इनेबलर है भाई। अगर ईज ऑफ बिजनेस नहीं है, पॉलिसी नहीं है, आपके जो है आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो टेकअप नहीं कर रहे हैं, नया बिजनेस नई कंपनी नहीं खोल रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट अपने आप तो कहीं नहीं पहुंचने वाला। तो ये बिजनेस हाउसेस जिसका डिपिक्शन मिलेगा हमें वेरियस सील्स में, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में, इस प्रोडक्ट में जो है ट्रेड में भाई? ये जो स्क्रिप्ट है इसमें आप करते हैं हिसाब, लिखते हैं भाई उसका सामान, उसका सामान नहीं है, इतना गया इतना आया, तो ये स्क्रिप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा इनेबलर जो होता है वो होता है मेजरमेंट। पहले भी कहा था मैंने, मेजरमेंट ऑफ मास, कितना वेट जा रहा है भाई। सोना खरीदने जाओगे किसी के पास तो तौल के देगा ना कि कितने ग्राम है, ऐसे थोड़े कि हाँ जो है हार ऐसे दे दिया चाहे कितना भी भारी हो, ऐसे तो नहीं होगा। तो मासेस, मास का मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, लेंथ का इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट कि भाई कितना लंबा कपड़ा, कितने मीटर कपड़े दिए जाएंगे। इवन टाइम का भी मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी कब होगी, कितने देर आपने काम किया, वर्किंग आवर्स का पेमेंट एंड ऑल, तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है, कितनी देर तक मार्केट चलेगी राइट। देन ऑफ कोर्स इसमें फिर एक और चीज़ जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेड नेटवर्क, जाएगा कहाँ, जो कि ऑफ कोर्स कनेक्टेड है आपके बिजनेस हाउस से, जो कि इंश्योर करेगा कि ग्राहक ढूंढे। मेसोपोटामिया में अगर आपको ट्रेड करना है तो उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि मार्केट समझनी पड़ेगी और अपना सामान भेजना पड़ेगा राइट। अब इसमें ट्रेड नेटवर्क के साथ साथ अगर एक और बात लिख दूं, ट्रांसपोर्ट, तो भी बात बिल्कुल सही है। अब ट्रांसपोर्ट बाय कार्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट बाय बोट हो सकती है राइट, पैदल हाथ में लेके चले जाओ, एनिमल के ऊपर रखे चले जाओ, बात समझ में आ रही है? तो सील्स, स्क्रिप्ट, मेजरमेंट, ट्रेड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, ऑल दीज थिंग्स विल एंश्योर कि बिजनेस हो सके। तो आई होप आप प्रोसेस समझे होंगे, इनेबलर समझे होंगे कि किस तरीके से ये माहौल सेटअप होगा, तब कहीं जाके अच्छा ट्रेड होगा, पैसा आएगा और अर्बन सेंटर्स क्रिएट होते हैं, जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, जिसमें पहला फीचर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एग्रीकल्चरल सरप्लस। पहला प्री रिक्विजिट जो हम कह रहे थे, एग्रीकल्चरल सरप्लस राइट, अब हम अर्बन सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। तो खैर वापस आते हैं, पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की, फिर बाकी चीज़ों की बात करेंगे, स्क्रिप्ट की बात एंड में करेंगे, पर पहले प्रोडक्ट फिर इनेबलर्स। तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अगर हम देखें तो सबसे देख, एक तो मेटल रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे हमें। अब आप देखिए तो आपके जो क्राफ्ट पर्सन है ब्रोंज में राइट, कॉपर में, तो ब्रोंज पहली बात तो ये ब्रोंज सिविलाइजेशन है, तो कॉपर में टिन मिला के उन्हें ब्रोंज बनाना आता है, ब्रोंज का बहुत सारा सामान बना रहे हैं, कॉपर के टूल्स और वेपन्स बन रहे हैं राइट, इवन गोल्ड और सिल्वर। तो तुम ऐसा रफली मान सकते हो कि आयरन को छोड़कर इन्हें सब मेटल पता है, एक्सेप्ट फॉर आयरन जो है दे नो एवरीथिंग ऑल द मेटल्स। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज सब चल रहा है। देन डिमांड, ज्वेलरी की डिमांड बहुत है, बीट्स एंड ऑर्नामेंट्स राइट, तो बीट्स एंड ऑर्नामेंट ज्वेलरी, देन पॉटरी, अभी देखेंगे पॉटरी कैसी है यहाँ की, कि हाँ कुम्हार हैं जो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पॉटरी बना रहे हैं। जैसे आप जो है कप खरीदने जाते हैं, क्रॉकरी खरीदने जाते हैं, तो सस्ती क्रॉकरी भी आती है और एक महंगी क्रॉकरी भी आती है राइट। एक होती बड़ी क्लासी सी पॉटरी होती है, डिज़ाइन डिज़ाइन बना होता है, एक सिंपल सा काला कप रखा होता है कि 25 रुपये में ले जाओ राइट, और एक बड़ा डिज़ाइनर कप होता है जो 200-250 रुपये का होता है। तो वैसे ही पॉटरी भी, और यहाँ पे जो सब कुछ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, स्पेशलाइजेशन, कि बढ़िया बनाना है, खाली नाम के लिए नहीं बना देना है, ऐसा बनाना है कि ईरान लेके जाओ या इराक लेके जाओ, मेसोपोटामिया में लेके जाओ तो वो लोग खरीदना चाहें राइट। देन कॉटन प्रोडक्ट्स, वूल क्लोथ, देन बोट, कार्ट, ये सब ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे,
बैंगल्स ये ऑर्नामेंट में ही आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मेटल प्रोडक्ट्स भी आपके आ चुके हैं, राइट, है ना। तो जो है जैसा कि मैंने कहा कि सारे ही प्रोडक्ट आयरन को अगर छोड़ दें तो लगभग सारे ही प्रोडक्ट जो है, सारे ही मेटल्स इनको बताएं। ब्रोंज का भी यूजेज हमको दिख रहा है, कॉपर का टूल्स और वेपन्स ये लोग बनाएंगे, एरो हेड, डैक्स, सॉस जो भी बिक रहा है उस समय सब बनेगा। गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल, गोल्ड के ऑब्जेक्ट्स में बीड्स, आमलेट्स, है ना, ये यहाँ पे ताबीज पहनना है कुछ, कोई नीडल वीडल बनवा रहा है, ऑर्नामेंट और ज्वेलरी बन रही है। सिमिलरली सिल्वर का भी, तो गोल्ड और सिल्वर सोना चांदी की जैसे ज्वेलरी आज चल रही है वैसे तब भी डिमांड बहुत थी, राइट। तो ये हमको दिखेगा। अब जैसे ब्रोंज की हमें ये देखने को मिलता है कि भाई ब्रोंज की इतनी बड़ी स्टैचू क्रिएट कर दी गई है ना। अभी उस समय की टेक्नोलॉजी भी दिखा रहे हैं कि आप इस तरह की मेटलर्जी कर पा रहे हैं, इस तरह की कास्टिंग कर पा रहे हैं, राइट, है ना। जैसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक जिससे ये बनाई गई है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, अब ये हमें सोसाइटी में भी कुछ हेल्प करेगी, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे उनको। अब एक और चीज यहाँ पे देखने लायक है कि टिन और कॉपर दोनों ही हमको आसानी से अवेलेबल नहीं है, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन में टिन और कॉपर दोनों अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिसोर्सेज एकदम थाली में सरोज पर जो है परोस के नहीं मिल रहे हैं, राइट, है ना। फिगर आउट करना पड़ रहा है कि भाई कैसे वहां से सामान आएगा। टिन अगर अफगानिस्तान से आना है, बताऊंगा कहां से क्या आता है, टिन अगर अफगानिस्तान से आना है तो वो कैसे आएगा, ये सारी चीजें फिगर आउट करना ये भी बड़ी बात है। कॉपर आ रहा है आपका खेतरी माइन से, राजस्थान से, वो ट्रांसपोर्ट कराना पड़ रहा है, टिन आपका अफगानिस्तान से आ रहा है। तो ये लोग रिसोर्सेज भी मोबिलाइज कर पाते हैं, फिगर आउट कर पाते हैं, ये नहीं बहाना मारें कि हाँ यू नो लाइट नहीं आ रही थी, पढ़ाई नहीं करी, है ना, तो वैसा नहीं है। सिमिलरली बीड में अगर हम देखें तो बीड में सेमी प्रेशियस स्टोन्स, तो आपके अगाते, कार्निलियन शेल, जास्पर क्रिस्टल, स्टेटाइट, गोल्ड और सिल्वर के बीड, आइवरी के बीड्स, राइट, है ना। तो उसमें खूब आइवरी कार्विंग एंड ऑल, तो आइवरी हाथी दांत में बढ़िया कार्विंग करके खूब बढ़िया ऑर्नामेंट बना दिया उन्होंने। तो भाई अलग अलग, जैसे कि जो है, जैसे रिच की डिमांड कुछ और होगी, पुअर की डिमांड कुछ और होगी, अकॉर्डिंगली सबको सेटिस्फाई करने के लिए तरह तरह के महंगे सस्ते जो है आपके बीड्स बन रहे होंगे। भाई सस्ता सस्ता मंगलसूत्र भी आता है, महंगा मंगलसूत्र भी आता है, जिसको जैसी जरूरत होती है वो खरीदता है। सिमिलरली टेराकोटा के फिगरिंग्स, टेराकोटा क्या होता है पहली बात, तो टेराकोटा क्ले को अगर आप जला दीजिए तो टेराकोटा बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे जो है पॉटरी बनाते हैं कुछ वैसा ही टेराकोटा होता है, तो टेराकोटा फिगराइंस। तो मेल और फीमेल दोनों के फिगराइंस हमको मिलेंगे, बट फीमेल फिगराइंस कहीं ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर्ड टू मेल फिगराइंस। प्लस टेराकोटा के हमने शुरू में ही बात करी थी कि बहुत सारे टॉयज एनिमल वगैरह बना देंगे, कार्ट वगैरह बना देंगे, तो टॉयज खूब बिकेंगे, खूब जो है चलेंगे। ओके, इनेबलर में ऐसे एक बात रह गई, करेंसी, करेंसी भी हो तो काफ़ी अच्छा होता है। पॉटरी, अब पॉटरी देखो जरा आप, दिस इज ब्लैक ऑन रेड पॉटरी, पहली बात तो कुछ रेड पेंटिंग है, राइट, पॉटरी के ऊपर कुछ इन्होंने लाल लगा दिया है और उसके ऊपर ब्लैक से कलरिंग करी है। एक और पॉटरी है चाकोलिथिक में विच इज़ ब्लैक एंड रेड वेयर, वो अलग है। तो ब्लैक एंड रेड वेयर इज डिफरेंट, ब्लैक एंड रेड नो, ये अलग कहानी है। ब्लैक ऑन रेड ये बहुत खूबसूरत पॉटरी है, ये सबसे बेहतरीन पॉटरी है जो हड़प्पन पॉटरी है। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि हाँ इतना स्पेशलाइज होना चाहिए कि हाँ जो बेचा जा सके। तो यहाँ की पॉटरी आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत पॉटरी आपको नजर आएगी, देवर एक्सेलेंट पॉटर्स, व्हील मेड पॉटरी, रेड कोटिंग और उसके ऊपर डेकोरेशन इन ब्लैक, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा रेड कोटिंग। अब उस पर पूरा डिज़ाइन विजाइन जैसा उनको मछली वछली बनानी है, पूरा डिज़ाइन खूबसूरत सा बना देंगे, बढ़िया बिकेगा। तो डिज़ाइन में आप देखिए तो लीफ पैटर्न्स, पाम, पीपल ट्री, है ना, चिड़िया, मछली, जानवर, जो उनको बनाना है खूबसूरत सा बना देंगे, ग्लॉसी, शाइनी, वेरी ब्यूटीफुल, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एज वेल, है ना, कि सुराही टाइप का, है ना, कुछ पाइप निकली हुई है समथिंग, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में भी आपको ये पॉटरीज देखने को मिलेगी। तो यस, पॉटरी इस समय की बहुत बेहतरीन मानी जाती है एज कम्पेयर्ड टू दी अदर टाइम्स। क्लॉथ हमने ऑलरेडी बात करी, बोट्स, यस, बोट्स ही बनाते थे जो है, हमने डॉक ऑलरेडी देखा हुआ है लोथल में। इसके अलावा कार्ट अगर आप देखिए तो हमको ये कार्ट दिख रहा है, या ऐसा ही कार्ट हम पीछे भी देख चुके हैं, राइट, है ना, मान लेते हैं यही कार्ट है, कुछ टॉय जैसा दिख रहा है ये, बट इसमें व्हील ऑब्जर्व करो जरा, व्हील, ये जो व्हील है ये स्पोक्स नहीं है, राइट, पूरा पूरा व्हील है ये, और जो पूरा व्हील होता है इसको कहा जाता है इक्का, इट इज कॉल्ड एज इक्का, है ना, इक्का कहा जाता है इनको। तो यहाँ पे स्पोक व्हील का इस्तेमाल नहीं होता था,
इक्का का इस्तेमाल होता था। ओके, तो हमने बात करी प्रोडक्ट्स की, अच्छे खासे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, बीड है, पॉटरी है, क्लोथ्स हैं, राइट, आपके मेटल का बहुत सारा काम हो रखा है, ब्रोंज एंड ऑल, तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट आपके पास एग्जिस्ट करता है और आप ये बेचेंगे, राइट, है ना। अब वेट्स एंड मेजर्स में अगर हम देखें तो अगर छोटा वेट है तो बाइनरी सिस्टम, और बड़ा वेट जो है वेट है तो डेसिमल के मल्टीपल्स, तो वेट सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे चर्ट वर्ट के कुछ वेट यूज़ करते हैं ये, राइट, तो चर्ट का पत्थर, लाइमस्टोन का पत्थर, स्टेटाइट। अच्छा, एक और बात, वेट्स और मेजर्स को ऑडिट करने वाला भी कोई चाहिए ना, राइट। अब भाई मेरा एक किलो पता चला, यू नो, मैंने उसमें डंडी मार दी, उसको कम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि कोई नापने वाला है कि हाँ ये 5 किलो का बाट है, ऐसा कोई सेंट्रल ऑडिट सिस्टम भी एग्जिस्ट करता होगा, तभी ये चीज़ें चल पा रही, वरना नहीं चल सकती हैं। सिमिलरली स्केल में आप देखिए तो हाँ, मेजरमेंट भी पॉसिबल है। हमको एक शेल स्केल मिली है मोहनजोदारो में, एक शेल ऑब्जेक्ट मिला है जिससे शायद एंगल नापते थे, एक आइवरी स्केल मिली है लोथल में, ऑलरेडी हमने पीछे बात करी थी इसकी। तो वेट और मेजर दोनों ही, वेट और स्केल दोनों ही यहाँ पे मेजर होता था, राइट। अब इनेबलर में एक मनी की बात रह गई थी कि करेंसी। अब ये बड़ा अजीब है कि इस समय में हमको कोई मेटालिक मनी या फिर करेंसी जैसा सिस्टम नहीं मिला है, है ना। नोट कर लो, इस बात को रट लो कि हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई ऐसी करेंसी सर्कुलेशन में नहीं दिखी, कोई पैसा नहीं मिला। इसका मतलब अगर नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि बार्टर सिस्टम रहा होगा। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम इज बेसिक कि भाई जो है, अगर जो है मैं तुम्हें ये पेन दूँ तो इसके बदले मुझे तुम चॉकलेट दे देना, राइट, कि सामान के बदले सामान, करेंसी नहीं, कि हाँ तुम मुझसे सामान खरीदने आओ, मैं तुम्हें सामान दूँ और उसके बदले तुम मुझे एक बोरी गेहूँ दे दो। तो डैट्स हाउ बार्टर सिस्टम वर्क्स। बाकी हमने ट्रांसपोर्ट की बात करी, कार्ट भी है, बोट भी है, देयर वर पोर्ट्स एज वेल। अब दो इनेबलर, सील्स और स्क्रिप्ट। तो सील की बात अभी हम और करते हैं। सील, तो सील जो हम कह रहे हैं, सील एक्चुअली डिनोट करता है बिजनेस हाउस, राइट, शायद, ऑफ कोर्स कहीं लिखा नहीं है, स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमें नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है ये जो डिनोट करता है, ये बिजनेस हाउस डिनोट करता है कि हाँ ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस हाउस को बिलोंग करता है। अब ऐसे हमें बहुत सारे सील्स दिख रहे हैं। अब इन सील्स में ऑब्जर्व करो, पहली बात तो शेप इनका या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, राइट। दूसरा, एनिमल का यूसेज बहुत सारा है, सील्स बहुत सारे एनिमल्स, भाई यहाँ पे देखो एक यूनिकॉर्न दिख रहा है, इधर कोई बुल दिख रहा है, राइट, तो एनिमल्स, उधर एलिफेंट दिख रहा है, यानी एनिमल्स का कुछ रिलीजियस कनोटेशन है शायद। आप कहेंगे क्यों सर, सील पे अगर फोटो बना दिया तो रिलीजियस कनोटेशन हो गया क्या? हाँ, हो गया। जैसे जो है इसके दो प्रूफ हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि इसका कुछ रिलीजियस कनोटेशन होना चाहिए। पहली बात, जिन चीज़ों में पैसा इन्वॉल्व होता है या तुम्हें बरकत चाहिए होती है, तुम ऐसे सिंबल्स यूज़ करते हो जिनका जो थोड़े से रिलीजियस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे तिजोरी पे स्वास्तिक का साइन बनाना, दरवाजे के बाहर जो है रिद्धि सिद्धि लिखना, या गणेश जी की फ़ोटो लगाना, लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगाना, तो डैट शोज कि हाँ उसका हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ रिलीजियस कनोटेशन है। हम समझते हैं कि इसको लगाने से कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ग्रोथ आएगी। अगर तुमने सिंबल में अपने बिजनेस के लोगों में एनिमल लगाया है तो क्या मैं मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये बात है कि इस एनिमल का कोई रिलीजियस कनोटेशन है, और इसको अगर आप अगर आप लगाते हैं अपने बिजनेस में एज अ लोगो, तो डेफिनेटली कुछ अच्छी कृपा होगी और इसमें ग्रोथ आएगी। अगेन, दीज आर अजम्पशंस। तो नाउ, तो एनिमल्स का यूजेज यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में आप ये समझिए कि मोस्ट ऑफ द गॉड्स या ऑलमोस्ट ऑल द गॉड्स, उनका जो वाहन है वो एनिमल है, राइट। अब आप कहेंगे सर तो क्या होगा, वाहन एनिमल नहीं होगा तो क्या होगा? अरे बहुत सारे ऑप्शन थे भाई, आप फ्लाई कर सकते थे, टेलीपोर्ट कर सकते थे, आपके पास एक विमान हो सकता था, पुष्पक विमान कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी था, तो देर वर मल्टीपल यू कैन से ऑप्शंस। बट सारे ही भगवानों के साथ एक एनिमल एसोसिएटेड है, जैसे शिव जी के साथ नंदी एसोसिएटेड है। आई एम सॉरी फॉर द रिलीजियस डिस्कशन, बट जो है जब हम रिलीजन की बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा रिलीजियस एग्जांपल्स लेने पड़ते हैं, राइट। माय अपॉलॉजीज एंड माय डिस्क्लेमर इज ऑन कि ये डिस्कशन बिल्कुल भी रिलीजन के बारे में नहीं है, रिलीजियस डिस्कशन नहीं है, रिलीजन के बारे में कह सकते हो, राइट। तो प्लीज़ अगर मैं कभी गलती से भी किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट करूँ तो जो है माय सिंसियर अपॉलॉजीज इन एडवांस। तो नाउ, तो माय पॉइंट इज़
कि हाँ जो है यू नो एनिमल्स का आज भी रिलीजियस कनोटेशन है ना, जैसे शिव जी के साथ जो है नंदी एसोसिएटेड है, राइट है ना, वैसे ही गरुण एसोसिएटेड है विष्णु जी के साथ, तो डैट शोज कि हाँ जो है एनिमल्स का रिलीजियस कनोटेशन है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सील्स रिलीजियस डिपिक्शन भी करते हैं। ओके तो हमें दिखेगा कि भाई जो है मटेरियल अगर हम देखें इन सील का, तो डिपेंड करता है कि भाई ये जो बिजनेस वाला है ये कितना बड़ा बिजनेस है। अगेन अजम्पशंस, क्योंकि अजम्पशंस ही कर सकते हैं, हिस्टोरियंस इस समय अज्यूम ही कर सकते हैं, कुछ लिखा तो है नहीं। तो स्टेटाइट का सील जो है, अगाते चर्ट कॉपर, कॉपर का सील, फेंस का सील, टेराकोटा का भी सील है। अब कोई टेराकोटा का सील बना रहा है, उसने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है टेराकोटा में, पैसा तो ऐसे है नहीं, बट हाँ फिर भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट सोने का भी सील एग्जिस्ट करता है, आइवरी का भी सील एग्जिस्ट करता है। अगर तुम्हारा सील सोने और आइवरी का है ना, डैट शोज कि हाँ ये बिजनेस काफ़ी बड़ा बिजनेस है, काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है। पर एक पहला सवाल रहेगा, सर ये सील है क्या? ओ सॉरी, सील है क्या बात करते हैं, सील तो सील इज टेक्निकली लोगो, ये तो कह दिया मैंने, इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब कोई मान लो सामान है, अब सामान की पैकिंग करी और इसके ऊपर अपना जो है क्ले लगा के, मे बी अब जो है जो है ये वैक्स लगा के सील मार दी, मोहर मार दी, राइट, तो ये छप जो है दब जाएगा। अब ऐसे लेटर वगैरह भी भेजे जाते हैं, सरकारी लेटर ऐसे ही जाते हैं, राइट, कि हाँ अगर खुलेगा तो पता चल जाएगा, है ना, इट्स मोर लाइक अ सिग्नेचर। तो ये पैकेज की सीलिंग वगैरह के लिए या साइन करने के लिए इस सील का इस्तेमाल हो रहा है, तो मोहर की तरह है ये, राइट। तो अगेन अगर मोहर आपकी महंगी बनी हुई है, सोने की बनी हुई है, यानी भाई किसी बड़े आदमी की मोहर है, तो अकॉर्डिंगली जो आपका मटेरियल है वो वेरी कर रहा है। हर किसी ने अपना अपना कुछ लोगो चूज किया होगा, तो एनिमल्स आपको यूनिकॉर्न, बुल, राइनो, टाइगर, एलिफेंट, बिसन, गोट, बफेलो, ये सारे लोग आपको मिलेंगे, राइट। शेप हमने ऑलरेडी देख लिया। नाउ पर्पस, एक तो मैंने तुम्हें बताया कॉमर्शियल पर्पस, एक और पर्पस है क्योंकि इनका रिलीजियस कनोटेशन है, तो इनके पीछे ना नॉब होता है जिसमें आप धागा डाल सकते हैं और ताबीज बना के पहन भी सकते हैं, राइट, है ना, ताबीज बना के पहना भी जा सकता है। तो शायद ये कोई इविल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी को वार्ड ऑफ करने के लिए, स्पिरिट को वार्ड ऑफ करने के लिए, तो कुछ इस तरह का शायद भावनाएं इसके साथ जुड़ी रही होंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं इसे पहनता हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, जैसे मैंने मान लो ये टी शर्ट पहनी हुई है, इस पर UPSC लिखा हुआ है या PW लिखा हुआ है, तो मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, इस सील के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने इसको इसलिए पहना हुआ है क्योंकि आई फील प्राउड कि हाँ इस एसोसिएशन में आई फील प्राउड कि हाँ मैं इस मिशन के साथ हूँ, पार्ट हूँ समथिंग, और मैं फ्लॉन्ट करूँगा इन द सेंस कि मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो पहन के जाऊँगा कि हाँ देखो मैं PW के साथ जुड़ा हुआ, और गेटिंग अ पॉइंट। तो डैट्स वाई मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हाँ इसको पहना जाता रहा होगा। तो सील का एक कॉमर्शियल पर्पज़ तो हो ही सकता है, बट उसके अलावा आइडेंटिटी के लिए हो सकता है, मे बी जैसे तुम्हारे पास ID कार्ड होता है कंपनी में जाने के लिए, वैसे ही हो सकता है कि सील पहन के जाना होगा तभी एंट्री मिलेगी। भाई हो सकता है मैं टी शर्ट पहन के ना आऊँ तो मुझे नीचे गार्ड भैया वहीं रोक दें, कहे कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम, भाई हो सकता है, तो हाँ इसीलिए टी शर्ट पहन के आना ज़रूरी है। तो कुछ वैसा भी फंक्शन यहाँ पे, पर्पज़ यहाँ पे हो सकता है। ओके अब एक पशुपति सील मिली है विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सील, अब ध्यान से देखते हैं। तो पशुपति सील जो है माना जाता है कि ये योगी योगा पोस्चर में बैठे हुए हैं, राइट, और पशुपति हैं, पशु के पति मतलब पशुओं के जो है साथ में रहने वाले। तो यहाँ पे टाइगर है, बफेलो है, राइनो है, एलिफेंट है, राइट, अब ये सारे एनिमल्स हैं, नीचे जो है कहते हैं शायद ये डियर है, राइट, तो ये सारे एनिमल्स इनके साथ यहाँ पे हैं। अब इनको क्या कहा गया, भाई पशुपति कहा गया और जोड़ा गया इनको शिव जी के साथ, तो अगेन इनको भी प्रोटो शिवा माना गया है। आज जो जो हम हिंदू धर्म में शिवजी का रूप देखते हैं वो शायद शायद जो है ये हैं, वी डोंट नो ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ जो है शायद ये हैं ऐसा कहा जाता है। दूसरा ऐसा भी माना जाता है कि शायद ये कोई वुमेन को दर्शा रहा है ना कि मेल को, ये भी हिस्टोरियंस कुछ हिस्टोरियंस का कहना है। दूसरी बात ये भी नोटिस करने लायक है कि योगा इस ज़माने में आज से 5,000 साल पहले एट दैट पॉइंट ऑल्सो व्यू न्यू योगा है ना, तब भी योगा प्रैक्टिस किया जाता था। तो ये जो सील जो पशुपति सील है ये बहुत सारी बातें कह के जा रही है, सील और भी बातें कहेंगी, देखेंगे आगे, राइट। एक और चीज़, जनरली सील्स जो हमारी सील्स हैं, इंडियन सील्स हैं, वो स्क्वायर या रेक्टेंगल है, बट अगर सिलेंड्रिकल सील है
तो अगर किसी ने सिलेंड्रिकल सील बनाई है, इसका मतलब वो इंस्पायर्ड है मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया में सिलेंड्रिकल सील्स होती थी, राइट? इसमें क्या होगा, ऐसे घुमा दो, सिलेंडर टाइप का है, सील हो जाएगा। दूसरा सर्कुलर मोहर भी हो सकता है, सर्कुलर सील। अगर सर्कुलर है यानी कि ये इंस्पायर्ड है गल्फ से। तो जैसे तुम जहाँ से बिजनेस कर रहे होते हो ना, तुम्हारे बातें, तुम्हारे ओवरऑल डिज़ाइंस कुछ वैसे ही हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जापानीज कंपनी, जैसे मैं पहले एक जापानीज मर्चेंट नेवी कंपनी में था, राइट? तो उसमें उसमें क्या था कि जो है मुंबई में उन्होंने ऑफिस खोला, और मुंबई में जो ऑफिस में लोग थे वो अपने नाम के आगे अभिषेक सान लगाने लग गए, क्योंकि जापान में ऐसा होता है कि हाँ किसी को रिस्पेक्ट देना है तो सर की जगह सान, तो यहाँ पे ऐसे अभिषेक सान ऐसे करके बात करने लगे, राइट? और थोड़ा थोड़ा जापानीज बोलने लगे, बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्चुअली कनेक्ट टू दैट कल्चर। तो उन्होंने इस तरीके से, तो वैसे ही यहाँ पे गल्फ मेसोपोटामिया है ना, ये सब जो है इन्होंने सील्स डिज़ाइन कॉपी किया। अब यहाँ पे एनिमल्स की लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से एनिमल हैं, है ना? शॉर्ट हम्ड बुल, एक ब्राह्मी बुल है ना, ब्राह्मी बुल, ये लंबा सा ड्यूलैप है इसका, दिस इज ब्राह्मी बुल। बफेलो मिलेगा, राइनो, टाइगर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, एंटीलोप, लिस्ट देख लेना, अभी एकदम से रटने की जरूरत नहीं है। तो नाउ वी हैव रियलाइज कि भाई इनेबलर सारे हो गए, एक स्क्रिप्ट इनेबलर रह रहा है, आगे देखेंगे उसे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड। नाउ ट्रेड की जब हम बात कर रहे हैं, अब आफ्टर नोइंग कि हाँ इनेबलर तो हो गया, सारे इनेबलर्स हमने डिस्कस कर लिए एक्सेप्ट एक स्क्रिप्ट रहेगा, थोड़ी देर में बात करेंगे। ट्रेड की अगर हम बात करें तो ट्रेड में एक होता है हमारा डोमेस्टिक ट्रेड, और एक हमको दिखाई देगा इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। डोमेस्टिक ट्रेड में एक विलेज विलेज ट्रेड होगा, विलेज सिटी ट्रेड होगा, कि जो गांव है गांव गांव आपस में ट्रेड कर रहे हैं, वेरी बेसिक, इसमें क्या ही इंटरेस्ट है ना। बट गांव और शहर, जैसे कि मोहनजोदड़ो कनेक्ट करेगा आसपास के किसी गांव से, या मोहनजोदड़ो के आसपास जो गांव होंगे वो अपना सामान बेचने मोहनजोदड़ो जाएंगे ना, तो ये उस डोमेस्टिक ट्रेड की बात कर रहा है, क्योंकि जाएंगे तभी तो एग्रीकल्चरल सरप्लस है भाई, वो लोग अपना सामान कुछ बनाएंगे, दूध जो है जैसे जैसे ऋतिक रोशन बेचने जाता था मोहनजोदड़ो में, तो वैसे ही। तो एक तो ये वाला ट्रेड है, दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड है, तो हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ऑफ कोर्स ये तो होता ही था, हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। ओके, तो वी विल रियलाइज कि हमारा जो ट्रेड है हम मेसोपोटामिया के साथ कनेक्टेड है, राइट? वाया ओमान एंड बहरेन हम मेसोपोटामिया से कनेक्टेड है। अब सवाल उठता है, सर कैसे पता हमको कि हम मेसोपोटामिया से कनेक्टेड हैं, या मेसोपोटामिया के साथ हमारा कोई ऐसा ट्रेड हो रहा था, या हमें कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा हमें? तो आइए समझते हैं। तो हमको क्या है कि हमको जो है हरप्पन आर्टिफैक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे कि बीट्स, सील्स, डाइस, ये सब हमको वहाँ पे मिल रहा है। वहाँ का सामान यहाँ पे बहुत कम है, रेयर ही हमको शायद ऐसा कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ का सामान, यहाँ का डिज़ाइन, यहाँ का जो है प्रोडक्शन, वहाँ पे हमको बहुत सारा मिल रहा है, राइट? तो मेसोपोटामियन कुछ सिटीज़ हैं, सूसा और उर, रटने के लिए बोल दो ससुर, राइट? तो सूसा और उर, यहाँ पे हमको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं हड़प्पन, जो कि हमको बताता है, फॉर एग्जाम्पल पॉटरीज जो है हमें वहाँ पे मिल रहा है, बीड्स हमको वहाँ पे मिल रहा है, डाइसेस हमको मिल रहा है, ये हमको बताता है कि भाई हमारा सामान गया तो है, पकड़े गए, राइट? ट्रेड तो हो रहा है। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी है, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस फ्रॉम मेसोपोटामिया। तो क्या है कि मेसोपोटामिया की भी अपनी स्क्रिप्ट है, भाषा है, इंस्क्रिप्शन उन्होंने भी लिखे हैं, वो डेसिफर हो चुके हैं। तो उनकी इंस्क्रिप्शन में हमको पता चलता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स, दिलमुन, मगन और मेलुहा। अब दिलमुन एक्चुअली बात कर रहे हैं वो बहरेन की, इस एरिया की। मगन बेसिकली बात कर रहे हैं इस कोस्ट की, मगन, और मेलुहा एक्चुअली वो हमारी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अमीश त्रिपाठी जी की वो नॉवेल्स भी जो हैं, उसमें जो पहली नॉवेल थी वो मेलुहा थी, राइट? तो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया हमसे ट्रेड किया करता था, मेसोपोटामिया कहते हैं कि हम मेलुहा से ट्रेड किया करते थे। तो हमारे पास इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी है कि हाँ कॉपर, कार्नीलियन, हाथी दांत, शेल, लेपिस लजूली,
राइट, लेपिस लजूली। और लेपिस लजूली मिलता है कहाँ? बदक्शान माइंस में। दिस इज द स्पॉट फॉर लेपिस लजूली। लेपिस लजूली द सेमी प्रेशियस स्टोन, और ये यहां पे बदक्शान माइंस में बैठा हुआ है, और इसी खातिर हमने अपना शोरतु घई यहीं लगा रखा था, यहीं पे हमने एक साइट बना रखी थी ना अफगानिस्तान में शोरतु घई, वो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन ने शोरतु घई का जुगाड़ कर रखा था कि वहां से लपिस लजूली को लेकर आओ, क्योंकि हमें मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करना है। राइट, इवन मोती देन एबनी एंड ऑल, तो ये सब मेलुहा से ट्रेड करते थे। ये बातें हमें इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस में भी पता चल रही हैं। राइट, मेसोपोटामिया हमारे साथ कुछ एक्सपोर्ट भी करता था, मेसोपोटामिया कुछ चीज़ें हमें भी भेजता था, जैसे कि गारमेंट, वूल, परफ्यूम्स, लेदर, राइट, सिल्वर्स, ये सारी चीज़ें हमें भेजता था। आप यूजुअली देखेंगे कि जब भी हम लोग एक्सपोर्ट अच्छा करते हैं तो इम्पोर्ट हमेशा महंगी चीज़ें करेंगे, जैसे कि लेदर, परफ्यूम, शौकीन चीज़ें, राइट, शौक पूरा करने वाली चीज़ें इम्पोर्ट होंगी और ज़रूरत की चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी। तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये हमने ट्रेड रिलेशन समझा, बट इसके अलावा हड़प्पा बहुत सारी चीज़ें जगह जगह से इम्पोर्ट करता था। नाउ दिस लिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट मैच द कॉलम बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है। जैसे कि हड़प्पा का गोल्ड इम्पोर्ट आप देखिए तो अफगानिस्तान, ईरान, साउथ इंडिया में कोलार गोल्ड फील्ड यानी जहाँ रॉकी भैया रहते हैं वहाँ से जो है आ रहा है। राइट, कॉपर खेतरी माइंस राजस्थान से, बलूचिस्तान से, ओमान से, टिन, ब्रोंज बनाने के लिए टिन बहुत ज़रूरी है तो अफगानिस्तान से, ईरान से। देन लपिस लजूली, अभी हमने बात करी, शोरतु घई हमने बिठा रखी थी अफगानिस्तान में तो यहाँ से लपिस लजूली आ रहा है। जेड, ये पमीर से आ रहा है, सेंट्रल एशिया, तो सोचो सेंट्रल एशिया, अब आप लिस्ट आप पढ़िएगा आगे। राइट, सेंट्रल एशिया, देन आपकी ईरान, देन जो है बलूचिस्तान, इन सब जगह से हमारे ट्रेड रिलेशंस थे, हम बहुत सारे रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करते थे। तो ये रॉ मटेरियल इम्पोर्ट है बेसिकली। नाउ दिस ऑल्सो टेल्स अस, जैसे यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है अर्बनाइजेशन के ऊपर, नाउ यूपीएससी कैन ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन लाइक कि दो रिसोर्स डेफिशिएंट है, राइट, बट फिर भी किस तरीके से रिसोर्सेज मैनेज हो रहे हैं, भाई उनके पास टेन है नहीं बट मैनेज कैसे हो रहा है, या फिर दे कैन आस्क यू अबाउट कि रिसोर्सेज कैसे मैनेज हो रहे थे, देन वी कैन टॉक अबाउट दीज पार्टनर्स, कि भाई कुछ एग्जाम्पल, पूरी लिस्ट नहीं रटनी है बट कुछ एग्जाम्पल्स डेफिनेटली कैन बी टेकन फ्रॉम हेयर। राइट, उसके अलावा प्रिलिम्स में डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि भाई ये यहाँ से आता था, नहीं आता था, समथिंग इस तरह का सवाल पूछा सकता है। तो इस तरीके से पता चला कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड भी हो रहा है और आपका फॉरेन ट्रेड भी हो रहा है, दोनों तरह का ट्रेड का हमने डिस्कशन किया। हमने एग्रीकल्चर की बात करी, लाइफ स्टॉक की बात करी, इंडस्ट्री और क्राफ्ट की बात कर ली, राइट, कि क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा था, अगर आप देखें तो ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, तो कॉपर, खेतरी माइन एंड ऑल, क्लोथ की बात करी, बोट मेकिंग एटसेट्रा, तो जो कुछ पॉटरी, बीड्स, जो भी कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ हम इकोनॉमी भी ख़त्म कर चुके हैं, अर्बनाइजेशन, टाउन प्लानिंग हो चुका है, इंपॉर्टेंट साइट्स, फेजेस, टाइमलाइन, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटी, सोसाइटी और रिलीजन की, तो ये नेक्स्ट डिस्कशन यहाँ से चालू करते हैं। तो पॉलिटी एंड सोसाइटी, पॉलिटी जो है अगर हम देखें तो जो है सोसाइटी में बात करेंगे तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो में मूवी में आप देखेंगे तो ये हेडगेयर्स जो हैं, राइट, अब ये हेडगेयर्स भी जो है बता रहे हैं कि कुछ कहानी बता रहे हैं कि उस समय का फैशन वगैरह क्या था, सोसाइटी किस तरह की थी, राइट, है ना, जैसे मुंजा हम कह रहे हैं बाल्टी बांधी हुई, ऐसे पेंट की बाल्टी नहीं होती, सर पे बांध के कपड़ा बांध लिया कुछ वैसा। एंड बाकी आप जो है अगर हेड को देखिए, है ना, जो है माहम को देखिए, उनका हेडगेयर अलग ही है ना, उनका हेडगेयर डिफरेंट है। तो ये सोसाइटी में डेफिनेटली फैशन इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड वील सी कि हाँ जो है हमें कैसे बातें पता चलती। आइए तो पहले बात करते हैं पॉलिटी की, फिर सोसाइटी पे आएंगे। पॉलिटी देखो अगेन जो है इसमें भी काफ़ी तथ्य हैं, काफ़ी डिफरेंट जो है पॉइंट ऑफ व्यू हैं हिस्टोरियंस के। जैसे एक व्यू है कि भाई शायद सिंगल स्टेट है। अब सिंगल स्टेट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं। पहली बात तो एक ऑल जो है ओवरऑल होमोजेनाइजेशन दिखता है, सेंट्रल अथॉरिटी दिखती है कि भाई कोई वेट मेजर इंश्योर कर रहा है, कि वेट का ऑडिट हो रहा है, ईंटों का साइज सेम है, ओवरऑल अर्बन प्लानिंग नज़र आ रही है, हमें ट्रेड नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई डिज़ाइन कर रहा है कि हाँ अगर उस समय लेट से हमें लपिस लजूली चाहिए तो यह शोरतु घई बनाई गई है, राइट, सुक्ता जंदोर की तरफ एक्सपेंशन है, तो ऐसा लग रहा है कोई दिमाग लगा के कोई एक आदमी प्लान कर रहा है। एंड ये रैंडम नहीं है, ये एडहॉक नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एक्सपेंशन है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ट्रायंगुलर जा रहा है, जो शेप है जो है सिविलाइजेशन का। तो ये शायद सिंगल स्टेट रहा होगा, ऐसा हमको समझ में आता है, राइट। नाउ आप कहेंगे सर क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्लैरिटी इसलिए नहीं है
हमें कहते हम कहते हैं शायद कोई सिंगल रूलर नहीं है। क्यों सिंगल रूलर नहीं है? सिंगल रूलर के लिए जो है कोई एक शहर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राजा होने के लिए कोई महल होना चाहिए। हमें कोई महल जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, हमें कोई पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, हमें कोई बड़ा टेम्पल नहीं नज़र आ रहा जो कि कहे कि शायद कोई प्रीस्ट रूल कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है बाहर हो जा रही हैं। ये कुछ भी इस तरह से प्रिडिक्ट कर पाना कि क्या राजा रूल कर रहा था, पंडित रूल या प्रीस्ट रूल कर रहे थे, राइट, या फिर जो है जो है सिमिलरली क्या किसी और तरीके का सेंट्रलाइज रूल जहाँ पे कोई एक पावर सेंटर हो, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रीज़न हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। तो ये भी माना जाता है कि शायद थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज और डेमोक्रेटिक रहा हो। यहाँ मोहनजोदारो का एक अलग रूलर है, हड़प्पा का एक अलग रूलर है। फॉर एग्जाम्पल मूवी में भी उन्होंने ऐसे ही टेकअप किया है। मूवी में मोहनजोदारो मूवी में उन्होंने माना है कि मोहनजोदारो को एक अलग ग्रुप चला रहा है, हड़प्पा को एक अलग ग्रुप चला रहा है, राइट। देन शायद कोई रूलर नहीं था, हर किसी का बराबर स्टेटस था, बराबर हक था। नाउ जो है किसी भी पॉइंट पे जो है कह पाना कि नहीं यही सही है थोड़ा सा मुश्किल है। तो दोनों व्यू माने जाते हैं, दोनों पर डिबेट किया जाता है कि हाँ शायद सिंगल स्टेट है या फिर डिसेंट्रलाइज है। दोनों ही व्यू यहाँ पे सपोर्ट करे जा सकते हैं। बट ये कहा जा सकता है कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन है फॉर श्योर। ओवरऑल पूरे इंडस वैली में हमें एक तरह का कल्चर दिख रहा है, तो कुछ तो सेंट्रल अलाइनमेंट, कुछ तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होनी चाहिए। एक पॉइंट हम ये कह सकते हैं, राइट। दूसरा हमने कहा कि प्रीस्ट और किंग वगैरह तो नहीं ही है। देन राजा अगर होता तो शायद वो एक्सपेंशन पे ज़्यादा जोर देता, राइट, है ना, हर तरह के एक्सपेंशन पे जोर देता। हमें कुछ वॉर वगैरह होता हुआ नज़र आता, बट ना ही कोई ऐसा वॉर हो रहा है, ना ही कोई ऐसा एक्सपेंशन हो रहा है। इनफैक्ट जो भी टूल्स क्रिएट करे जा रहे हैं, टूल्स आर डिफेंसिव इन नेचर। आई मीन वेपन्स जो क्रिएट करे जा रहे हैं, वेपन्स बेसिकली कॉपर वगैरह के जो भी, वो डिफेंसिव इन नेचर है। ऐसा स्वोर्ड, तलवार, ये सब नहीं दिख रहा हमको। तो डैट मीन्स ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, राइट। इनफैक्ट जो फोर्टिफिकेशन और सीटाडेल जो वर्ड यूज़ करा जा रहा है, सीटाडेल इज नॉट अ रियल फोर्ट जैसे चित्तौड़गढ़ वगैरह में तुमको मिल रहा हो। ये लड़ाई करने के लिए फोर्ट नहीं बनाए गए, इट इज़ मोर लाइक कि हाँ एक पेरिफेरी क्रिएट करी गई है कंट्रोल करने के लिए एंट्री एग्जिट को, कंट्रोल करने के लिए कि कोई जानवर कहीं से घुस ना जाए, राइट। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब वॉर वगैरह कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ जो भी रूल कर रहा है वो कॉमर्स में, बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो, ट्रेड पे पूरी तरह से फोकस है, ट्रेड पे पूरी तरह से ध्यान है। एंड दैट इज द रीज़न ऐसा माना जाता है कि शायद ओलिगार्की है, या फिर देर इज अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स जो कि शायद रूल कर रहे हैं। तो हिस्टोरियंस को अभी भी क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली हम किसी एक मत पे नहीं पहुंच पाए हैं कि हाँ किस तरीके का रूल है, बट दिस इज वॉट वी कैन सजेस्ट कि हाँ शायद क्लास ऑफ मर्चेंट्स रूल कर रहे थे, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वॉर। बहुत सारे मर्चेंट्स रहे होंगे, बहुत सारे बिजनेस हाउसेज रहे होंगे, मिलके शायद पूरा ओवरऑल रूल हैंडल करते थे। दैट इज द रीज़न फोकस बिजनेस पे, वॉर पे नहीं, एक्सपेंशन पे नहीं, राइट, ओके। तो पॉलिटी में हम इतना डिस्कशन रखेंगे। नेक्स्ट बात करते सोसाइटी की। तो सोसाइटी में हमें मैट्रियार्कल सोसाइटी लग रही है। द सोसाइटी साउंड्स मैट्रियार्कल बिकॉज, हालांकि ये बहुत ही जनरलाइज व्यू है कि मदर गॉडेस की पूजा हो रही है। अब ये भी डिबेट किया जा रहा है कि इससे खाली प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि हमने सिर्फ ये कह दिया कि मदर गॉडेस की पूजा हो रही है तो मैट्रियार्कल हो गया। क्योंकि क्योंकि क्यों जो है मॉडर्न हिस्टोरियंस या हिस्टोरियंस इसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो शक्ति की पूजा, अगेन हिंदू धर्म पे आऊँ मैं, तो शक्ति की पूजा आज भी होती है, राइट। शक्ति कल्ट आज भी है, काली जी की पूजा होगी, पार्वती जी की पूजा होगी, राइट, तो उन सबकी पूजा आज भी हो रही है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैट्रियार्कल सोसाइटी हो गई है। तो ये दिस इज़ ग्रॉस जनरलाइजेशन कि हाँ मदर गॉडेस की पूजा हो रही है, या फिर मदर गॉडेस या फीमेल गॉडेस अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम कह दें कि मैट्रियार्कल सोसाइटी। बट दिस इज़ द व्यू विच वी टेक कि सोसाइटी जो है जो एक्सेप्टेड है अब तक कि हाँ जो सोसाइटी है दिस इज़ द मैट्रियार्कल सोसाइटी। दूसरा हमने प्रोफेशंस देखे बहुत सारे। जब इतने तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो क्या हम सारे लोग एग्री कर सकते हैं कि फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने वाले बहुत सारे प्रोफेशंस होंगे। देयर विल पॉटर, स्मिथ, माइनर्स, जो है कपड़े बनाने वाले भी होंगे शायद स्पेशल कुछ, राइट, फिर ये कार्ट बनाने वाले भी होंगे, राइट। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ वर्कर्स। इनफैक्ट हमने आर्किटेक्चर में भी देखा था कि कुछ जो है छोटे छोटे क्वार्टर्स थे, जो ग्रेनरी है उसके पास वर्क करने के लिए जो है फ्लोर्स थे, राइट। तो प्रोफेशन बहुत सारे वेरी करते हैं, वी ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट, है ना। ड्रेसिंग स्टाइल, फैशन की अगर हम बात करें सोसाइटी में,
तो फैशन इज़ वेरी मच प्रिविलेंट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों ही फैशन कर रहे हैं। अब जैसे कि इस मेल को देखिए, इनको कहा जाता है प्रीस्ट किंग, ये हमको स्टैचू मिली है, इनको प्रीस्ट किंग कहा जाता है। अब इनके माथे पे देखिए एक हेड गेयर है, तो इन्होंने एक ऐसे सर पे ऐसा कुछ ऑर्नामेंट पहना हुआ है, राइट। प्लस इनके जो है बाल है प्रॉपरली पीछे की तरफ कॉम्ड है, जैसे जनरली लोग जब टक्सीडो पहनते हैं तो पीछे की तरफ बिल्कुल ऐसे बाल चिपका लेते हैं वैक्स लगा के, तो कुछ वैसा ही जो है इनका बाल हमको दिख रहा है यहाँ पे। अब वो नॉर्मली तो नहीं हो सकता, प्लस प्लस बाल जो है, अगर आप कहेंगे सर इन्होंने कटवाए नहीं होंगे बाल, है ना, तो नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप हेयर कट नहीं कराएंगे तो आपके बाल यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे बाल दिख रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी प्रॉपर सैलून में जाके इन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। देन इनकी बियर्ड देखिए शेप में है प्रॉपर, राइट। यहाँ 4 दिन आप शेव ना करिए तो पूरा पूरा जो है यू नो बियर्ड बाहर आ जाएगा, पर प्रॉपर लाइनिंग है बियर्ड में, शेप है, आर गेटिंग पॉइंट। तो डैट शोज की जो है यू नो कुछ फैशन इंपॉर्टेंट है, फैशन यहाँ की सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो कपड़ा इन्होंने पहना हुआ है इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है, डिजाइंड कपड़ा दिख रहा है, राइट। एंड डैट शोज की हाँ यहाँ के मेल और वो या फीमेल दोनों, इनफैक्ट फीमेल वाला भी हम देखेंगे वर्जन, बट हाँ मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पे फैशन कर रहे हैं। तो मैन और वुमेन दोनों ही दो सेपरेट पीसेस पहनते हैं, एक ऊपर शॉल और नीचे धोती, राइट। प्लस हेयर स्टाइल जो है ये क्या बोलते हैं बियर्ड का स्टाइल, ये सारी चीज़ें कॉमन है, वियरिंग अ बियर्ड कॉमन है ये। प्लस सिन्ना बार पाउडर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, पाउडर समझते हो, हम तो पाउडर ही बोलते हैं, कुछ तो होता है कॉस्मेटिक जो लगाया जाता है पाउडर, है ना, बचपन में पाउडर बोलते थे उसे। तो सिन्ना बार का इस्तेमाल हो रहा है, फेस पेंट का इस्तेमाल हो रहा है, राइट, लिपस्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, आईलाइनर लगाया जा रहा है, राइट, मस्कारा एंड ऑल, है ना, लाइन आईलाइनर लग रहा है, बाकी ज्वेलरी ऑर्नामेंट बीट्स हमने ऑलरेडी देखा, पूरा बिजनेस बना दिया इसके ऊपर। तो फैशन का भी तो सोसाइटी में आपको इनइक्वालिटी भी दिख रही है, अमीर गरीब सब दिख रहे हैं, डिफरेंट तरह के प्रोफेशन दिख रहे हैं, अमीर गरीब। एक और चीज़ मैं याद दिलाऊँ, कुछ घर छोटे थे कुछ घर बड़े थे, कुछ घरों में कुआं था कुछ घरों में कुआं नहीं था, तो अमीरी गरीबी सोशल इनइक्वालिटी भी है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस भी हैं। कोई कोई जो है सिटाडल में रह रहा होगा बड़े लोग, कोई जो है लोअर टाउन में रह रहा होगा मिडिल क्लास, राइट। तो इस तरीके से चल रही होंगी बातें। प्लस फैशन इज़ कॉमन, फैशन इज़ बेसिक, सोसाइटी में हर कोई इस तरीके का फैशन कर रहा होगा। इनफैक्ट इनफैक्ट कपड़ों के बारे में हमने सोचा था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई स्पिनिंग कर रहा है, तो कपड़े बना रहा है। प्लस डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्नामेंट्स, नेकलेस, आर्मलेट्स, ईयर रिंग्स, ये सारी चीज़ें लोग कंज्यूम कर रहे हैं, पहन रहे हैं। तो ये एक सोसाइटी, ये 2011 का सवाल है, यूपीएससी ने पूछा था, रिड्यूसिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट वॉज प्री डोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन ड्यूरिंग दिस पीरियड, कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। ये आपको जवाब देना है कॉमेंट सेक्शन में, राइट। लेकिन उसके पहले रिलीजन जरा पढ़ते हैं, ये एक सोसाइटी का पार्ट रह रहा है रिलीजन, धर्म क्या था, राइट, आइए समझते हैं। तो धर्म जो है, अगेन जो सील्स हमको मिली हैं और जो टेराकोटा के फिगराइंस मिले हैं, इनके बेसिस पे हम लोग धर्म का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, राइट, ओके। अब इस पूरे प्रिडिक्शन में एक बड़ा हाथ आता है जॉन मार्शल साहब का। जॉन मार्शल साहब का काफ़ी यू कैन से अजम्पशन इंटरप्रिटेशन इस पूरे थ्योरी में जो आज तक चल रही है, जा रहा है, मॉडर्न हिस्टोरियंस कन्फ्रंट भी कर रहे हैं कि नहीं ये व्यू गलत है वो व्यू गलत है समथिंग, बट चलिए देखते हैं। तो पहली बात कि ये जो हरप्पन रिलीजन है इसे कहा जाएगा एनिमिज्म, वर्शिप ऑफ ट्रीज स्टोन्स, ये जो चीज़ें हैं, राइट, एनिमिज्म कहते हैं कि हाँ जानवरों की पूजा करेंगे, पेड़ की पूजा करेंगे, स्टोन्स की पूजा करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ों नेचुरल चीज़ों की पूजा हो रही है। तो एनिमिज्म एक टेक्निकल वर्ड आपने सीखा। दूसरा, मदर गॉडेस के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी, मदर गॉडेस की पूजा हो रही थी। अब यहाँ पे हमको एक फिगराइन मिलता है जिसमें हमें दिखता है कि जो जो फीमेल है उसके यू नो उसका उसके जो है यूट्रस से एक यू नो पेड़ निकल रहा है, राइट, और उसको कंपेयर किया जा रहा है कि हाँ शायद वो गॉडेस अर्थ हैं, गॉडेस अर्थ, उनको प्रोटोटाइप ऑफ शाकंभरी देवी भी कहा जा रहा है, राइट। माना जा रहा है कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं या फिर जो जो है यू नो हम एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो देख रहे हैं या जो जैसे हम आज जो है धरती माता की बात करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं, राइट, रिस्पेक्ट देते हैं, उस तरह का बिहेवियर शायद यहाँ भी वैसे ही था। दूसरा हम देखते हैं कि अगर आप कंपेयर करिए कि अर्थ को फर्टिलिटी से भी जोड़ा जा सकता है,
एक बात, ये भी रीजन है पूजा करने का जो ऊपर भी इंक्लूडेड है। दूसरा, इजिप्शियंस जो हैं, इजिप्शियन नाइल नदी की पूजा करते थे, राइट? नाइल रिवर की जिस तरह पूजा करते थे, वैसे ही हम शायद अर्थ की पूजा करते थे। तो ये मदर गॉडेस, अर्थ की पूजा, ये सब थोड़ा कनेक्टेड है आपस में। तो क्या सीखा हमने? एनिमिज्म सीखा, मदर गॉडेस की पूजा सीखी, शायद गॉडेस ऑफ अर्थ, अर्थ की पूजा भी करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नील नदी की पूजा होती है। फर्टिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो ट्री वर्शिप दिख रहा है हमको। अब यहाँ पे हमको दिखेगा कि एक भगवान खड़े हैं जिनका ऐसे जो है सर पे हॉर्न टाइप का है, और यहाँ पे एक डीटी झुका हुआ है, राइट? हाथ जोड़ के झुका हुआ है। तो ये हमको दिखा रहा है कि शायद पीपल की पेड़ की पूजा हो रही है, राइट? पेड़ की पूजा हो रही है। सिमिलरली एनिमल वर्शिप, ये वन हॉर्न यूनिकॉर्न, हमने कहा कि हम सीज पे एनिमल्स को लगा रहे हैं, विच शोज कि एनिमल्स में हम रिलीजियस कनोटेशन ढूंढते हैं। हम मानते हैं कि एनिमल्स का भी कुछ रिलीजियस कनोटेशन है। देन इसके अलावा फायर वर्शिप, तो हमने बात करी थी कि कालीबंगन में और लोथल में हमको क्या मिला था? फायर आल्टर्स हमको मिले थे, हवन कुंड। ये हवन कुंड दिख रहा है हमको, राइट? कालीबंगन का। अब इसमें हमको ऐश मिलेगी और हमको एनिमल बोन्स वगैरह मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शायद उस समय एनिमल सैक्रिफाइसेस वगैरह करे जाते थे, शायद अग्नि की पूजा भी करी जाती थी, अग्नि कल्ट में फॉलो किया जाता था, राइट? तो अग्नि की पूजा यहाँ पे हो रही है हवन कुंड में। अगर आप अग्नि को समर्पित कुछ कर रहे हैं, डैट मीन्स यू बिलीव इन द रिलीजियस पावर ऑफ अग्नि, राइट? तो ये रिलीजियस कल्ट है, अग्नि की यू नो जो है पावर में माना जा रहा है, और ये फायर आल्टर, ये जो है जो हवन कुंड है, यही दर्शा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ से एक और चीज़ सीखने लायक ये है कि अच्छा, ये स्वास्तिक का सील यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पे स्वास्तिक का क्या कनोटेशन है, वी आर नॉट वेरी श्योर। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम स्वास्तिक का मीनिंग देखें तो हम उसे आर्यनिज्म से जोड़ देते हैं, बिकॉज ऑफ जो है यू नो स्पेशली वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है हमने उसे आर्यनिज्म के साथ ज़्यादा जोड़ दिया है, राइट? बट उसको अगर हटा भी दें तो हमारे घरों में रिलीजियस कनोटेशन, स्पेशली हिंदू घरों में रिलीजियस कनोटेशन काफ़ी ज़्यादा है स्वास्तिक का। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक और बात जो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हमको दिख रहा है कि ओवरऑल ऐसा कोई जनरल ट्रेंड नहीं है कि हर जगह अग्नि की पूजा हो रही है, हर जगह हवन कुंड मिल रहा है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जगह जगह अलग अलग रिलीजन फॉलो हो रहा है, या जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, अलग अलग जगह अलग अलग हैं। कहीं पे जो है यू नो हवन कुंड है, कहीं पे पेड़ की पूजा हो रही है, कहीं पे अर्थ की पूजा हो रही है, कहीं मदर गॉडेस की पूजा हो रही है। ये दिखाता है कि कॉमन रिलीजन ओवरऑल, शायद कॉमन रिलीजन नहीं है, या फिर लोगों को फ्रीडम है कि उन्हें जो फॉलो करना है वो फॉलो करें। अगेन कुछ और बातें जोड़ते हैं, जैसे कि हम ग्रेट बात में बोल रहे थे कि हाँ कुछ रिचुअल है, वी डोंट नो, शायद कोई रिचुअल रहा होगा। अब ये हमको एक कालीबंगन में सील मिली है, सिलेंड्रिकल सील है ये। अब सिलेंड्रिकल सील क्या दिखाती है, पहले तो आपको ये कॉमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, इसमें दिखाई दे रहा है हमें कि एक महिला है और दो पुरुष तलवार साधे उसके ऊपर खड़े हैं, यानी कि टेक्निकली ये ह्यूमन सेक्रीफाइस दिखा रहा है। तो कुछ इस तरह की भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जहां पे ह्यूमन सेक्रीफाइस हो रहा है। एंड बरियल की बात करें, क्योंकि बरियल भी काफी हद तक रिलीजन से कनेक्टेड होता है, तो बरियल प्रैक्टिसेस अगर हम देखें तो बरियल में आपको ऐसा कोई पिरामिड जैसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट? इवन मेसोपोटामिया में रॉयल सिमेट्री हुआ करती थी, उर में ऐसा भी कुछ नहीं दिखता। हमको सिंपल बरियल्स दिख रहे हैं, सिंपल बरियल्स में ऐसा कोई बहुत लैविश ग्रेव गुड भी नहीं डाला उन्होंने कि बहुत सारे ग्रेव गुड्स डाल दिए हों, सोना चांदी डाल दिए, नहीं, बेसिक ग्रेव गुड्स, कुछ खाना, कुछ पॉटरी, यही सब हमको देखने को मिलेगा। डेड बॉडीज आप देखेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है यू नो उनको प्लेस किया जा रहा है, जैसे कि चाकोलिथिक एरा में भी हम बात कर रहे थे, बहुत सारे अर्थन पॉट्स, पॉटरी वगैरह के साथ, सॉरी, कहीं कहीं आपको बैंगल्स, बीड्स, कॉपर मिरर, ये सब, लेकिन लैविश गुड्स बहुत सारा नहीं। तो कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो हड़प्पा में हमको एक कॉफिन बरियल दिख रहा है, कॉफिन बरियल, उसके ऊपर कफन श्राउड डाला हुआ है, श्राउड पहनाया हुआ है। देन लोथल में हमको डबल बरियल भी दिख रहा है, मेल और फीमेल को साथ में बरी का रखा है। देन कालीबंगन में सिम्बॉलिक बरियल मतलब होता है कि उसमें डेड बॉडी नहीं है, स्केलेटन नहीं है, सिर्फ सिम्बॉलिक है कि हाँ किसी की याद में है ना, किसी के प्यार में आपने एक बरियल किया हुआ है, कोई बोन्स नहीं, कोई स्केलेटन नहीं। इनफैक्ट मोहनजोदारो और हड़प्पा में आपको फ्रैक्शनल बरियल भी मिल रहा है। फ्रैक्शनल बरियल होता है जब आप पार्ट्स ऑफ द बॉडी को बरी करते हैं रादर देन कंप्लीट बॉडी।
ये शायद जनरली दिखाता है कि जब कई स्टेजेस में बरियल होता है, या जनरली दो स्टेज में बरियल होगा, कि आपने पहले बॉडी को कुछ और ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद उसको मे बी क्रिमेट कर दिया, क्रिमेट करने के बाद उसको जो है किसी मटके में जैसे एशेज वगैरह रख के फिर दफन किया, तो इस तरह का फ्रैक्शनल बरियल भी हमको नज़र आएगा। तो अनबरियल जनरली इंडिकेटिव ऑफ क्रिमेशन होता है, फ्रैक्शनल बरियल जनरली जब आप छोड़ देते हैं बॉडी को बाहर जो है मे बी एनिमल्स के लिए या फिर डिके होने के लिए, और उसके बाद जब बरी करते हैं तो उसको फ्रैक्शनल बरियल कहा जाता है। अगेन ये डिफरेंट डिफरेंट बरियल प्रैक्टिसेस भी तुम्हें यही दिखाते हैं। क्या समझे आप इससे? आप इससे ये समझे कि अगेन ऐसी कोई कॉमन प्रैक्टिस ओवर दी होल सिविलाइजेशन नहीं है। जैसे हम रिलीजन में बात कर रहे हैं, ऐसा कोई कॉमन रिलीजन, कॉमन प्रैक्टिसेस फॉर होल रिलीजन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। यहां भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, बरियल में भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो रिलीजन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस काफी वेरी कर रही हैं। अब एक और मुद्दा जो है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एमुलेट्स की, ताबीज की, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पशुपति सीर की, तो वो डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। एक और सवाल जो बड़ा यूट्यूब पे पॉपुलर रहता है और ढूंढने मत लगना, कि क्या जो है हड़प्पा में शिवलिंग की पूजा होती थी, राइट, है ना, फालस की वर्शिप होती थी। तो फालस कहते हैं बेसिकली इसे टेक्निकली, तो क्या फालस वर्शिप जो है उस समय हुआ करती थी? हमें ऐसा कोई बहुत एविडेंस नहीं मिला है। एक हमको ये जो है मिला था आर्टिफैक्ट मोहनजोदारो में, बट ये लिंग नहीं है, हाइपोथेटिकल है। ये शायद जो है रस्सी बांधने के लिए कुछ इस्तेमाल करते थे, ये शिवलिंग नहीं। बट रिसेंटली हमको एक टेराकोटा का पीस मिला है, दिस इज अगेन इन कालीबंगन, जो कि लिंग, जो शिवलिंग को डिनोट करता है, राइट, है ना, प्रॉपर फालस को, प्रॉपर शिवलिंग को डिनोट करता है। यानी शायद शायद जो है शिवलिंग की पूजा होती थी। अगेन क्योंकि ये रीसेंट है तो बहुत सारी बुक्स में अभी ये नहीं भी है, तो इट्स ओके, हमने मान लिया कि नहीं भी होती थी या ऊपर तक ही रहें तो भी चलेगा ये। ओके चलिए, तो एक और ये सवाल है 2011 में, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, क्या उनके पास पैलेसेस टेम्पल्स हैं? अगेन 2011 लिख के इसका आंसर लिखिएगा जो है कमेंट सेक्शन में, है ना, पढ़िए, पॉज कर दीजिए और उसके बाद इसको आंसर करिए। तो आते हैं स्क्रिप्ट पे, राइट, स्क्रिप्ट, तो छोटा सा टॉपिक हमारा स्क्रिप्ट का, आइए देखते हैं इसे। स्क्रिप्ट, तो देखो स्क्रिप्ट जो हमारी है, दो तीन बातें स्क्रिप्ट की ध्यान रखने लायक। पहली बात तो डेसिफर नहीं हुई है, ऑफकोर्स डेसिफर नहीं कर पाए हम लोग इसे। तो हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट में कुछ 400 साइंस मिले, 400 तरीके के साइंस मिले। अब हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट हैं, ऐसे हिंदी में कुछ लिमिटेड जो है जो है अल्फ़ाबेट्स हैं, बट यहाँ पे हमको 400 साइन मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं। पहली बात, ये जो भाषा है इसको बोलते हैं बूस्ट्रोफिडॉन, बूस्ट्रोफिडॉन। बूस्ट्रोफिडॉन का मतलब ये हुआ कि जो है बूस्ट्रोफिडॉन मतलब ये हुआ कि आप लिखिए पहले लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से फ्लो करते हुए आइए आप। ये राइटिंग स्टाइल को बूस्ट्रोफिडॉन कहते हैं। पहली याद करने लायक बात कि हम पहला डेसिफर नहीं कर पाए, दूसरा बूस्ट्रोफिडॉन, और तीसरी बात देखो बूस्ट्रोफिडॉन पर थोड़ी सी और बात कर लें। बूस्ट्रोफिडॉन टेक्निकली अगर सोचो तो काफ़ी बढ़िया मेथड है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी आँख को वापस नहीं लाना पड़ता। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब आप एक लाइन पर जाते हैं वापस आते हैं तो भूल जाते हैं कहाँ से शुरू किया था, तो कभी कभी सेम लाइन दो तीन बार पढ़ने लगता है, होता है ना। लेकिन सोचो अगर बूस्ट्रोफिडॉन स्टाइल में लिखा गया हो, इट विल बी अ वेरी फास्ट रीडिंग, आप पढ़ते ही चले जाओ बस, तभी आँख को वापस नहीं लाना है, वेरी फास्ट। तो टेक्निकली काफ़ी स्मार्ट है ये बूस्ट्रोफिडॉन, राइट। दूसरी बात और क्या हमें ध्यान रखना है, कहा जाता है कि ये सिम्बल्स जो हैं दीज आर पिक्टोग्राफिक या फिर लोगोसिलेबिक। कहने का मतलब कि हर सिंबल की अपनी एक मीनिंग है। मान लो ये बना हुआ है और इसका मतलब है रिवीजन किया करो, है ना, और हो सकता है हमें क्या पता भाई। तो इसकी अपने आप में मीनिंग है कि रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगी इसके बारे में। खाली ये नहीं लिखा रिवीजन, लिखा रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। तो ये इस तरीके से लोगों सिलेबस सिलेबिक है या फिर पिक्टोग्राफिक है कि एक ही सिंबल पूरा पूरा स्टेटमेंट, पूरा पूरा आइडिया बता देता है। ये बना दिया मतलब पढ़ के आना, तो वैसा वाला कुछ है यहाँ पे। तो बूस्ट्रोफिडॉन है जो है पिक्टोग्राफिक है, लोगों सिलेबिक है, राइट, इडियोग्राम भी कह सकते हैं, एक ही बात हो गई, सीधे सीधे आइडिया जो है आप दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। बट क्या हम इसको डेसिफर कर पाएँ? नहीं, इस पे और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं लेकिन हमारे काम की नहीं है, ठीक है, इतना हमारे लिए बहुत है। अब अगर हम कंपेयर करें इजिप्ट के स्क्रिप्ट से, इजिप्ट के स्क्रिप्ट में आप देखिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इजिप्ट के स्क्रिप्ट में देखिए तो कहते हैं कि जो पूरा टैबलेट है उसे बोल रहे हैं कार्टूश। अब यहाँ पे जो जो राइटिंग है
इसे कहते हैं हीरोग्लिफिक्स, मतलब ये हुआ कि अगर ये चिड़िया बनी हुई है, मतलब ये लिखा है ए, जैसे यहाँ पे देखिए, तो जो है जैसे ये स्क्वायर है इसका मतलब होता है पी, ये जैसे लाइन बना हुआ है तो एल, तो हर हर सिंबल का एक लेटर है और टोटल लेटर जोड़ दो तो वर्ड बन जाएगा, तो इस तरह से टॉलमी बन जाता है, राइट। इस ट्राइंगल का मतलब होता है के, लाइन का मतलब एल, इस चाकू का मतलब होता है आई, सिमिलरली इसका मतलब होता है ओ, तो ये टोटल जोड़ दो तो क्लियोपैट्रा हो जाएगा। तो ये जो लैंग्वेज है जिसमें एक सिंबल डिनोट करता है सिर्फ और सिर्फ एक लेटर, नॉट द आइडिया, राइट, दिस इज हीरोग्राफिक्स। देन दूसरी जो लैंग्वेज है आपकी मेसोपोटामिया वाली, मेसोपोटामिया वाली लैंग्वेज ये भी डेसिफर हो चुकी है, और ये है क्यूनिफॉर्म, जिसमें बेसिकली ऐसे क्यू करके, है ना, कि क्यू दे दिया आपने, ऐसे करके लेटर्स बनाए जाते हैं और फिर उनको पढ़ लिया जाता है, सिंपल टैबलेट में ऐसे बना देते हैं, पढ़ लेते हैं, तो यूनिफॉर्म, तो दिस इज बेसिकली योर मेसोपोटामियन। ओके, तो इसी के साथ हमने सोसाइटी और रिलीजन भी ख़त्म कर लिया है, तो हम आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं कि हाँ ये डिक्लाइन कैसे हुआ, और आपको शुरू का डिस्कशन याद होगा तो आखिरी फेज जो था हम उस पर भी पहुँच चुके। चलिए भाई बात करते हैं डिक्लाइन के बारे में, तो नाउ तो दिस इज लाइक फाइनल क्लाइमैक्स डिक्लाइन, आइए बात करते हैं तो क्या होगा एंड, तो मैं हर कोई जानना चाहता है लास्ट, बताओ लास्ट में क्या हुआ। ओके तो जो है हम लोग बात कर रहे थे मैच्योर हरप्पन, हम लोगों ने समझ लिया, राइट, कहानी और आगे बढ़ाते हैं, लेट हरप्पन पे आते हैं जिसको कहा जाता है लोकलाइजेशन एरा, राइट। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि क्यों ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई, यहाँ से जो डिक्लाइन हुआ इतना बढ़िया चल रहा था, जो डिक्लाइन हुआ है इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो आइए जो है थोड़ा सा जो है जनरलाइज व्यू लेते हैं कि हाँ कैसे हुआ ये। ओके, तो देखो एक तो फ्लड थ्योरी दी गई है, फ्लड थ्योरी कहती है कि जो इंडस आ रही है, तो इंडस के आगे कहीं पे ब्लॉक आ गया, राइट, मे बी बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक्स और समथिंग, और वो इंडस एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड क्या कहती, ओवरफ्लो कर गई, फ्लड हो गया, जिससे मोहनजोदारो एंड ऑल पूरा डूब गया। मोहनजोदारो में पहले बहुत बार बाढ़ आई थी, राइट, प्लस इससे मोहनजोदारो के बारे में पता चला, बाकी सबका क्या हुआ कहना मुश्किल है, बट ऐसी बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं कि हाँ फ्लड थ्योरी जो है यू नो की वजह से डिक्लाइन हो गया, एक रीज़न मे बी मोहनजोदारो चला गया इसमें। दूसरा एक और थ्योरी दी गई है कि इंडस ने शायद कोर्स चेंज कर लिया और वो 30 मील आगे पीछे हो गई, जिससे पूरा पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया और डिक्लाइन हो गया, राइट। देन ऐसा भी कहा जाता है कि घग्गर हाकरा वैली में डेसिकेशन हो गया, पानी ओवरफ्लो करने लगा, तो जो साइट्स घग्गर हाकरा इतनी सारी साइट्स हमने देखी थी, तो वो सारी जो है यू नो ड्यू टू फ्लड एंड ऑल नहीं सर्वाइव कर पाई। देन एक कॉन्सेप्ट दिया गया है रिवर कैप्चर का, अब आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा रिवर कैप्चर एग्जैक्टली क्या होता है, बट रिवर कैप्चर की वजह से जो घग्गर हाकरा नदी है उसका पानी, शुरू में भी कहा था मैंने, या तो यमुना में चला गया या सतलज में चला गया, इसकी वजह से घग्गर हाकरा का पानी सूख गया। सिमिलर वही बात कि हाँ पानी सूख गया तो फिर वो आगे के जो साइट्स हैं सर्वाइव नहीं कर पाए, धीरे धीरे एग्रीकल्चर कम हो गया, राइट, है ना। अब ये थोड़ा कनेक्टेड एक जैसी ही बातें हैं, और सुनिए, तो एरिडिटी एंड फैमिन थ्योरी, कहा जाता है कि 2000 BC के आसपास समवेयर आपकी बारिश कम हो गई, राइट, रेनफॉल आपकी कम हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा यू कैन से एरिडिटी हो गया, सूखा पड़ गया और आपकी यू नो डिक्लाइन कर गई सिविलाइजेशन। एक और थ्योरी है फर्टिलिटी, जैसे जैसे डेजर्ट भाई सूखा पड़ रहा है, बारिश कम हुई है, कनेक्टेड सा लगता है सब कुछ, कि अगर लेट से सूखा पड़ रहा है या डेजर्ट जो है आपका थार डेजर्ट एक्सपैंड कर रहा है, इसकी वजह से जो आपकी सॉयल है सैलिनिटी है वो बढ़ रही है, सॉयल की सैलिनिटी बढ़ रही है तो सॉयल फर्टाइल नहीं रहेगा, या उसमें खेती करना उतना बढ़िया नहीं रहेगा, तो प्रोडक्शन घट गया तो एग्रीकल्चरल सरप्लस चला गया, एग्रीकल्चरल सरप्लस चला गया तो इन दैट केस ऑफकोर्स अर्बन एरिया, अर्बन जो है जो आपकी सिविलाइजेशन है वो चली जाएगी। देन एक और बड़ा अच्छा आइडिया जो कहते हैं जो है प्रॉबेबल रीज़न हो सकता है इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, भाई जैसे जैसे आपका यू नो सिविलाइजेशन एक्सपैंड कर रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो आप करने लगे ओवर ग्रेजिंग, आप करने लगे ओवर कल्टिवेशन, आप करने लगे एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, तो आप अपने एनवायरमेंट के साथ खेलने लगे, ये हमारे लिए भी अच्छा एग्जाम्पल, यू कैन राइट दिस इन योर आंसर, राइट, जिसकी वजह से हम डिक्लाइन कर गए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गए। अब एक और रीज़न दिया जाता है जो कि हिस्टोरियंस नहीं मानते हैं, बट कहते हैं कि हाँ चलो लिख लो, तो डिक्लाइन इन लेपिस लजूली का ट्रेड, कि लेपिस लजूली का ट्रेड डिक्लाइन हो गया, उसकी वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब लेपिस लजूली का ट्रेड क्या वाकई इतना इंपॉर्टेंट था कि हाँ उससे ये सिस्टम कोलैप्स होगा, कहना मुश्किल, बट हाँ प्रोबेबल रीजंस में इसको भी एक रीज़न माना जाता है। अब जो सबसे फेमस रीज़न है वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, फॉरेन इन्वेजन थ्योरी, कि आर्यंस ने अटैक किया,
अब ये थ्योरी पहली बार दी थी जो है राम प्रसाद चंद जी ने 1926 में। यहाँ ऐसा कुछ बाहर से आर्यन आए थे, उन्होंने इंडस वैली पर अटैक किया, ये जो सिविलाइजेशन है इस पर अटैक किया, एंड दैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सिविलाइजेशन। अब इसमें कुछ जो जो है मोर्टाइमर व्हीलर उस समय थे, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था। उनके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इंद्र, भगवान इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का मतलब जो कि फोर्ट्स को तोड़े, किलों को तोड़े। तो कह रहे हैं कि सिटाडेल की बात हो रही है शायद। देन हड़प्पा, हरियुप्रिया कहा गया है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में जिक्र है तो इसलिए भी कहा जाता है कि हड़प्पन को, अगर लोगों को पता है, ऋग्वेदिक लोगों को पता है, तो देन जो है शायद ये लोग जानते हैं और शायद कोई फाइट हुई है। देन मोहनजोदारो में बहुत सारे स्केलेटल रिमेन्स भी मिले। प्लस जो फाइनल सिमेट्री एच कल्चर है, राइट, जो डिक्लाइन के टाइम में हमको सिमेट्री एच कल्चर दिखता है, ऐसा कुछ बहुत टेक्निकल उसमें जाने की जरूरत नहीं है, राइट, बट यस, नॉर्थ साइड में सिमेट्री एच कल्चर कहा जाता है। तो सिमेट्री एच कल्चर जो है वो आर्यन इन्वेडर्स को रिजेंबल करता है, या आर्यन के ट्रेड्स को रिजेंबल करता है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन मोल्टाइमर व्हीलर जी ने दिए थे, जिसकी वजह से ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी काफ़ी पॉपुलर है। यूट्यूब पे खूब सारे वीडियोस पॉपुलर हैं इस पे, राइट, कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, है ना, देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये थ्योरी डिगेट कर दी गई। कि अब बहुत सारे आर्गूमेंट्स दिए गए जिसके बेसिस पे कहा जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रीज़न, पहली तो इतने तादाद में लोग नहीं आए थे कि पूरी पूरी सिविलाइजेशन जाके, समझ रहे, पूरा एरिया साफ करना, जाके इतने लोग नहीं आए थे कि हाँ वो पूरा बाढ़ आई और जो है सब खत्म हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हाँ टाइम भी मैच नहीं हो रहा, प्लस ग्रेजुअल डिक्लाइन है, ग्रेजुअल डिक्लाइन के सिंबल्स हमको पता है। तो दैट इज़ द रीज़न वी बिलीव कि हाँ जो है ये थ्योरी नहीं है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पूरी तरह से निगेट कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों निगेट किया गया है, क्योंकि ग्रेजुअल डिक्लाइन। नाउ अगेन, इतने सारे रीज़न पढ़ने के बाद बात उठती है कि सही रीज़न क्या है, वी डोंट नो, शायद कई सारे रीजन्स एक साथ काम कर रहे होंगे, राइट, और दूसरा दूसरा ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ है, राइट, तो शायद वो जो लिमिटिंग फैक्टर था, जो एग्रीकल्चर कहा जा रहा है, यहाँ एग्रीकल्चरल सरप्लस जो था, या एग्रीकल्चरल जो ओवरऑल इन्वायरमेंट खेती के लिए बढ़िया हुआ करता था, अब वो उतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं रहा, जिसकी वजह से अब ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर रही है। ओके, तो हमने इसे कहा था लेट हरप्पन कल्चर। आखिरी वाला जो पॉइंट है हमारा, जो ग्राफ का बिल्कुल एंड पॉइंट था, इसे हमने कहा था लेट हरप्पन कल्चर, लेट हरप्पन फेस। टेक्निकली दिस इज कॉल्ड एज लोकलाइजेशन एरा। अब क्या होगा, अब फ्रैगमेंटेशन होगा। अब देखिए, अब ये वाला पार्ट आपका रंगपुर रोजदी कल्चर आपको कुछ अलग दिखेगा, रंगपुर का एरिया, ये इधर झूकर फेस अलग दिखने लग जाएगा, इधर सिमेट्री एज कल्चर आपको अलग दिखने लग जाएगा। तो नाउ वी विल सी कि हाँ चीज़ें टूट के अलग हो रही हैं, राइट, है ना। तो या तो नाउ जो है विल सी फ्रैगमेंटेशन इज हैपनिंग। वो जो प्रॉपर एक सिविलाइजेशन थी अब वो टूट चुकी है, शहर जो है डिक्लाइन कर रहे हैं। अब जो सेटलमेंट्स हैं वो पहले से कहीं छोटी हैं, और अगर बड़ी भी हैं तो अब वो रूरल की तरफ जा रही हैं। अब वो अर्बन वाला जो है, जो स्वाद था अर्बन का, स्वाद उसमें से नहीं आ रहा। ऑफकोर्स दिस इज ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे सीज गायब होने लगेंगी, पॉटरी, राइट, राइटिंग वगैरह जो है, यू नो, शायद परकुलेट आगे नहीं हो रही थी, लोगों को ट्रेन नहीं किया गया, तो राइटिंग भी गायब हो जाएगी, हम आज भी डिसिफर नहीं कर पाए, राइट। एंड नाउ इट इज़ अगेन कन्वर्टिंग बैक टू रूरल। तो जो रूरल से उठकर अर्बन बना था, अब वो वापस वापस रूरल में जा रहा है, राइट, ओके। तो वी विल सी कि अर्बन एलिमेंट जो थे, क्विकली देखते हैं, जो है वी ऑलरेडी नो दिस, ऑलरेडी हम काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं, कर चुके हैं, तो वी नो किस तरह की बातें, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मैं हाईलाइट करूंगा। तो अर्बन एलिमेंट्स जो है, अर्बन लाइफ आपका डिक्लाइन हो गया है, पहले हम कह रहे थे होमोजेनस है ओवरऑल, तो स्टाइलिस्टिक होमोजेनिटी जो थी अब होमोजेनस नहीं रहा, डिसअपीयर्ड। अब क्या आ गई, डाइवर्सिटी आ गई, ये रटने वाला पॉइंट है कि अब होमोजेनस नहीं रहा, पहले ओवरऑल एक जैसा कल्चर दिख रहा था, सारे ईंटे एक जैसे थे, अब ये डाइवर्सिटी आ चुकी है, राइट। अर्बन जो आपके एलिमेंट्स थे, सीज, स्पेशलाइज क्राफ्ट, बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे थे, शहर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड गायब हो चुका है, राइट, है ना, है ना, हाँ, डिक्लाइन होगा, फिर धीरे धीरे डिसअपियर होगा, कंप्लीटली डिसअपियर, एंड तक आते आते होगा। रूरल लाइफस्टाइल चालू हो चुकी है, गांव की तरफ बढ़ चुके, वापस चाकोलिथिक, जहां से उठे थे वहीं पहुंच रहे हो, राइट। देन अर्बन इकोनॉमी आपकी डिक्लाइन हो रही है, अब कोई आपको लेंथ मेजर करने की जरूरत नहीं, लेपिस लजूली, चर्ट, कार्निलियन बीड्स, कॉपर के आइटम, ब्रोंज के वेसल्स एंड ऑल, ये सब अब या तो गायब हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। वेस्ट एशियन सेंटर्स के साथ ट्रेड खत्म हो गया, अब कोई आपका वेस्टर्न ट्रेड वगैरह नहीं हो रहा। खाली एक भगवानपुर जो है हरियाणा में, यही एक एक्सेप्शन है जहां बर्नट ब्रिक मिल रहा है,
वापस जो बंट ब्रेक हमने सोचा था कि अब शहर बसाएंगे, अब वो बंट ब्रेक वापस गायब हो गया। तो लेट हरप्पन कल्चर में घर बनाने के लिए बंट ब्रेक नहीं यूज़ कर रहे, बहुत चौंकाने वाली बात है ये, राइट, कि ये टेक्नोलॉजी गायब कर दी इन लोगों ने। सिमिलरली पॉटरी में देखें, इतनी सुंदर सुंदर पॉटरी हम लोग देख रहे थे, अब देखो क्या हो गया ये, राइट, अब PGW आ गया, पेंटेड ग्रेवेयर। अब ये वैदिक उसमें देखेंगे पेंटेड ग्रेवेयर, OCP ऑलरेडी सुबह क्लास में पढ़ा रहा था मैं। तो नाउ वी हैव पेंटेड ग्रेवेयर इन हरियाणा एंड ऑकरे कलर पॉटरी इन वेस्टर्न UP। अब वो पॉटरी गायब हो चुकी, ऑकरे कलर पॉटरी, ऐसे ऐसे हाथ लगाओ तो ऐसे हाथ गेरुआ रंग हो जाए तुम्हारा, है ना, उसे ऐसे रंग छूटने लगे। तो OCP पॉटरी तुम्हें दिख रही है, सोचो क्या बनाया करते थे वो, कहाँ आ गए, राइट, है ना। अब ह्यूमन फिगराइंस गायब, ये उतनी खूबसूरत भी नहीं है, मोटे मोटे पॉट्स बना रहे हो, खूबसूरती जा चुकी है, वो स्पेशलाइजेशन अब पॉटरी का जा चुका है, राइट। सिमिलरली एग्रीकल्चर जो सरप्लस हुआ करता था कहाँ पहुँच गए, सबसिस्टेंस पे पहुँच गए। एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन आपने कर दिया है, डबल क्रॉपिंग आपने चालू कर दी है, जानवरों पर डिपेंडेंसी, हंटिंग फिशिंग, वापस घूम फिर गए जहाँ से शुरू किया था, वापस उसी चाकोलिथिक में एरा में पहुँच चुके। नाउ दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट साइट्स, एक आध एग्जाम्पल तो रट सकते हो, जैसे बेट द्वारका है गुजरात में, रंगपुर है गुजरात में, देन प्रभास पाटन है, स्वाट वैली बहुत फेमस है। दो चार एग्जाम्पल जो भी आपको सही लगे, जो आप रिटेन कर सको, देख लीजिएगा लिस्ट और जो है रट लीजिएगा। तो इसी के साथ हमने डिक्लाइन फेज भी ख़त्म कर लिया है, राइट। तो हमारा ये पूरा टॉपिक ख़त्म हुआ, हमने बात करी इंट्रोडक्शन, टाइमलाइन, फेजेस, तीनों फेजेस हमने समझे, हमने इंपॉर्टेंट साइट समझी, अर्बनाइजेशन, टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी एंड डिक्लाइन। इसी के साथ हमारा ये सेशन भी ख़त्म होता है, एंड नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की, द नेक्स्ट क्लास, राइट। इस क्लास को वीडियो बन जो पॉज करके मैं भी नोट्स वगैरह बना सकते हो, एंड उसके बाद रिवाइज करो। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारा फैक्ट भी था, मैंने तो एक क्लास में पढ़ा दिया है एक साथ, लेकिन आप जो है इसको रिवाइज करिएगा एंड रिटेन करने की कोशिश करिएगा, और बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, बेस्ट ऑफ लक, आई एम श्योर जो है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन वॉट एवर यू थिंक कि यू नो और ऐड करना चाहिए था या करना चाहिए, या फिर और कौन से टॉपिक्स आप देखना चाहेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, डू गिव मी सजेशंस, है ना, कि मैं देखूंगा कि हाँ यू नो कुछ एक जैसे टॉपिक्स ही हैं, अब मुझे एक चूज़ करना है, तो उनका होगा नहीं सर ये ज़्यादा टफ है, तो वो चूज़ कर लेंगे, राइट। तो हेल्प मी चूज़ टॉपिक्स, दो जैसे कि मैंने कहा था मैं वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपके प्रिलिम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये टॉपिक हमें बिल्कुल समझ नहीं आता, प्लीज़ जो है यू नो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इशूज़ प्लीज़ जो है डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट। बाकी मेहनत करो, पढ़ाई करो, अभी समय है, राइट, और आप अच्छा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, एंड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच, जितना भी प्यार आप लोगों ने इस चैनल पर मुझे दिया है, राइट, तो जो है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।